हेलो चलो ठीक है डायशन ऐप्स ऑप्शन लास्ट लेक्चर हमारा ठीक है लास्ट लेक्चर है हमारा डायशन ऐप्स ऑप्शन पे ओके और रात कल रात जो सेशन हुआ वही लास्ट होने वाला था बट क्या करो आज उसको एक्सटेंड करना ही पड़ा तो एक्सटेंड करने का मेरा मतलब ये था कि आज क्यों एक्सटेंड किया बताया क्योंकि मेरा मन नहीं करना आगे कर रहा है आगे जाने का कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी गलत दिए है आपका कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रही थी ये चैप्टर को जो एंड पार्ट है वो एंड कर देते फिर उसके बाद पूरा एक बार फटक से स्टार्टिंग से एंड तक एक वन शॉट में एंड कर देते मतलब इस चैप्टर को राम राम ठोकते ओके okay? फिर उसके बाद दोपहर को एक सेशन है चार बजे थोड़ा सा ही टाइम कराएगा कर वो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं उसमें एक घंटे के आसपास रहेगा सेशन ओके okay. तो वो सेशन में हमने जो चैप्टर पढ़ा था पहला वाला द लिविंग वर्ड ओके okay. द लिविंग वर्ड उसका रिविज़न होगा फास्ट फास्ट ओके okay. जो लिविंग वर्ड था उसका रिविज़न होगा फास्ट फास्ट ओके okay. कितने बजे चार पी को रिमाइंडर सेट करके रखना इसे इस, इस पर आपको दिखेगा ना रिमाइंडर सेट करने के लिए मिलेगा आपको मैं उस पर करके रखना ओके okay. और फिर हमारा जो रात वाला सेशन है नौ बजे का वो ऐसे हम स्टार्ट कर देंगे नौ पी को हम चार्ज स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ना ब्रीदिंग ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके ठीक है ठीक है ना क्लियर है सब कुछ क्लियर है ओके तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करते ना इसकी वजह से ये एक्सटेंड करना पड़ रहा है लिविंग वर्ल्ड भी रिविजन लेना पड़ रहा है बीच में ओके okay, फाइन तो चले आगे ओके गुड टू गो ये हमारा लास्ट लेक्चर है लेक्चर टूवेल्व हो हाँ, ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले एन की बुक्स है ना साथ में अभी एन की बुक्स जो अपडेटेड बुक्स है है ना वही लेना ओके वही होनी चाहिए साथ में आपके वो एन की जो बुक्स है वो ले कर रखो अभी के अभी वो ओपन करके रखो है ना तब तक तो ये मैं क्लियर करता हूँ फिर हम स्टार्ट कर दें ग्रेट वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छा चल रहा है ना बोलो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छा चल रहा है ना पढ़ाई बोलो मी फिजिक्स और केमिस्ट्री सही है ना एकदम राजेंद्र सब कुछ एकदम क्लियर ओके okay, ग्रेट आज तुम बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो <laughs> बस है। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं राम मेरा नाम है शंकर तैडे है ना हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स मेरा नाम है शंकर तैडे मैं एक थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एलएमसी नागपुर से ओके okay? आगे जाते हैं देखो मेरे सभी सभी चीज़ों के अपडेट्स जो है, है ना कल जैसे मैंने रात को अपडेट डाला था आज की के लेक्चर्स के टाइम ओके सभी चीज़ों के अपडेट्स सभी लेक्चर्स के सभी कुछ भी हो मैं अपडेट डालूंगा ना तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा आपको सभी अपडेट्स उसमें मिल जाएंगे ओके सभी चीज़ों के अपडेट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे ओके तो आप टेलीग्राम चैनल इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो नहीं तो फिर आप कर सकते हो ये टेलीग्राम जो नाम है ये टेलीग्राम ऐप में जाओ और ये नीट मेंटर्स ये सर्च करो नीट मेंटर्स ओके ये सर्च करने के बाद आपको जो टेलीग्राम चैनल मिलेगा उस पर क्लिक करो ज्वाइन कर लो खत्म ओके सभी चीज़ों के अपडेट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ओके तो चलो आगे जाते हैं आगे चीज़ ऐसी है कि देखो ये छोटा सर्कल है है ना उसमें आपको एक प्लस नाम दिख रहा है मतलब एक प्लस सब्सक्रिप्शन है है ना और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है राइट दो टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं पे तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के जो बेनिफिट्स है लाइव क्लासेस है वीकली टेस्ट अनलिमिटेड एक्सेस है सभी चीज़ों के ओके फिर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है मतलब ऐसे स्पेसिफिक बैचेज होती है है ना और कोई कौन से भी एक आपको जो पसंद आता है उस कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो और एंड तक सिलेबस खत्म करने तक ज्वाइन रख सकते हो ओके ये है ठीक है ये बेनिफिट्स है प्लस कोर्सेज के बट अब जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें ना एक अलग ही चीज़ें मतलब एक पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है जो स्टडी मटेरियल है वो आपको घर पे मिल रहा है है ना स्टडी प्लानर एक्सपर्ट गाइडलाइन टेस्ट एनालिसिस ये सब चीज़ें आपको मिल रही है एक्स्ट्रा तो इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आइकोनिक सब्सक्रिप्शन आप ले लो ओके आइकोनिक सब्सक्रिप्शन ले लो ओके okay? देखो प्लस ले लो आइकॉनिक ले लो है ना प्लस ले लो या आइकॉनिक ले लो मेरे रिकमेंडेशन ये रहेगा हमेशा कि जो आप ट्वेल्थ मंथ का प्लान ले लो है ना एक साल का जो प्लान होता है वो ले लो ओके तो आप आपको वहाँ पे पूछेगा है वो रेफरल कोड है वो कूपन कोड या है वो इनवाइट कोड ऐसा कुछ है ना तो ये मेरा नाम है ये डाल देना जो मेरा फर्स्ट नेम है ये सच ए ए एन के ए आर शंकर ये डालोगे तो आपको एडिशनल टेन परसेंट का बेनिफिट मिलेगा और ये जो डिस्काउंट ये जो प्राइस है ये डिस्काउंटेड प्राइस है ओके तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है दो टाइप के वहाँ के बेनिफिट मिले और दोनों में भी, भी इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स मिल रहे हैं ना इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल रहे स्ट्रक्चर कोर्सेस मिल रहे लाइव टेस्ट क्विजेस ये सब चीज़ें मिल रही है बट आइकोनिक में कुछ चीज़ें ज़्यादा है लाइक लाइव मेंटरशिप है डाउट सॉल्विंग है लाइव डाउट सॉल्विंग फिजिकल नोट्स है ये आपको आइकोनिक में ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू प्लस ओके ठीक है अब देखो थर्टी फर्स्ट मतलब आज है ना मतलब जो तीस तारीख का है तो वो तो हो चुका है राइट जो थर्टी फर्स्ट है मतलब आज आज दस बजे एंड ग्यारह बजे दो सेशन होने वाले ठीक है आज दस बजे ग्यारह बजे मतलब इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स है इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स है टॉप रैंकर्स है नीट के वो आपको गाइड करेंगे है ना तो इसमें आप फ्री में हैंडल कर सकते हो यानी काउंसलिंग सेशन फ्री में असाइन कर सकते हो ओके अब देखो ये टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करने वाले हैं ओके अब देखो जो फर्स्ट सेशन हुआ तीस तारीख को है ना फिर सेकेंड सेशन भी तीस तारीख को हो गया मतलब कल हो गया ओके अब जो थर्ड सेशन है और फोर्थ सेशन है वो आज है ओके थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को ओके थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को गे? एक सुबह दस बजे सुबह ग्यारह बजे ओके और जो सेशन है विशाल तिवारी विशेष विशाल तिवारी सर लेने वाले और फिर जो सेशन फोर है वो प्रतीक जैन सर लेने वाले जो सेशन थ्री का टॉपिक है ना मेन चीज़ वो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टू क्रैक नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके और जो सेशन फोर है उसका जो टॉपिक है वो है फॉल इन लव विथ फिज़िक्स एंड स्कोर वन एटी आउट ऑफ वन एटी इन नीट फिज़िक्स ओके तो आप इसमें बेशक बेझिझक जाओ और एनरोल कर लो जो वहाँ पे अगर कोई इनवाइट कोड अगर ऐसा कुछ पूछेंगे तो मेरा जो नाम है एस एच ए एन के ए आर ओके okay, ये डाल देना है, है कुछ नहीं यार तबीयत ख़राब है और पढ़ा रहे हम है ना कभी डाइजेशन खत्म हो जाता था बट क्या करूँ मेरा मन नहीं कर रहा है एक बार रिवाइज कर ही लेते फटाक से सब कुछ और फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओके चलो अरे सेशन ज्वाइन कर लेना आज कुछ भी हो जाए ठीक है टाइम मिलता है आपको तो ओके अन एक्डेमी आस्कर डाउट एक फीचर है इस पर आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो कभी भी पूछ सकते हो है ना उसके आप हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशनस इंग्लिश एंड हिंदी में ले सकते हो राइट right? फिर एग्जैक्ट मैचेस फॉर क्वेश्चन फिर ऑप्टन इंस्टेंट एक्ोरेट सोल्यूशन टू लाख ऑफ क्वेश्चन वैसे गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क ओके अब देखो जो आज सुबह ग्यारह बजे मतलब तो स्टार्ट हुई है ना थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को एक एग्जाम है है ना स्कॉलरशिप टेस्ट वहाँ पे आपको चार करोड़ तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है बट उसके साथ साथ आपको मिल रहा है अमेजोन का वाउचर अगर आप लकी हो सो में से राइट ट्वेंटी एट क्वेश्चन की ट्वेंटी एट क्वेश्चन के एग्जाम फोर्टी फाइव मिनट्स तक टाइम रहेगा इन्वाइट कोड मेरा डाल देना एच yes, ए एन के ए आर ठीक है ये सेपरेट टेस्ट है 11 के लिए अलग ट्वेल्थ के लिए अलग और ड्रॉपर्स के लिए अलग इसमें आप फ्री मेंडल कर सकते हो मैं स्कॉलरशिप तो जीत रहे हो उसके साथ साथ अगर आप लकी निकले है ना तो सौ में से तो आपको अमेजन का वाउचर मिलेगा अमेजॉन का वाउचर मिलेगा ओके okay, तो चलो तो चलो डाइश एन एप्स एंड करते हैं साले चैप्टर को एंड कर देते हैं आज है ना इस चैप्टर को एंड ही कर देते हैं आज राइट right? सबसे पहले उस चैप्टर का जो एंड पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार ओके okay? एंड पार्ट है वो देख लेते हैं पाँच दस मिनट में हो जाएगा वो चैप्टर का एंड जो पार्ट है और फिर हम एक बार फटाक से रिवाइज कर ले हैं झटपट झटपट रिवाइज कर लेते हैं ओके ओके पढ़े हो ना एन में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया <दागी> सर नो मी ये चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा बोलो फ्यूचर डॉक्टर्स हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा चैप्टर नहीं पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा यार मतलब मेरे वेट कर रहे थे क्या कि मैं हम साथ में पढ़ेंगे <laughs> हम साथ में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ऐसा वेट कर रहे थे क्या हाँ इस चीज का वेट कर रहे थे क्या कि हम साथ में पढ़ना है हमें बोलो 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 इस चीज का वेट कर रहे थे क्या कि साथ में पढ़ना है ओके चलो हमने व... डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर दिया ओके okay, हमने डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर दिया अब देखो ये डाइजेशन जो भी हो रहा है सो तो पूरा एलिमेंट्री का ना, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम राइट पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी चल रही है डाइजेशन चल रहा है सभी ऑर्गन्स अपने अपने जगह काम कर रहे हैं सभी अलग अलग एसोसिएटेड जो डाइजेस्टिव प्लांड्स है उनका सिक्रेशन भी चल रहा है साइमल्टेनियसली ये सब चीज़ें हो रही है है ना ये सब चीज़ें हो रही है राइट ये सब चीज़ें हो रही है राइट तो वो होती कैसे है ना उसको कोई ना कोई तो कॉर्डिनेट कर रहा होगा ना कोई ना कोई तो चीज़ कोऑर्डिनेट कर रही होगी है ना मतलब उस पर नज़र रख रही होगी या उसको मतलब वो होने के लिए किसी ना किसी का हाथ तो होगा ही है ना रा? <laughs> राइट तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहे हम ऐसा कहे हम आ, आपको जो पसंद की चीज़ है ठीक है आपकी जो पसंद की चीज़ है अगर आपको देखते हो सामने तो आपके मुंह में पानी आ जाता है आ जाता है कि नहीं आ जाता है है ना देखते हो या सीधे मतलब स्मेल भी आ जाती है तो भी आता है देखते हो तो भी होता है राइट होता है कि नहीं होता बोलो के सर नो हाँ राइट नहीं तो फिर अगर और ज़्यादा उसको डीप में कहे तो अगर आपका आप कोई चीज़ खा रहे हो सिर्फ आपने ऐसे मुंह में भी रखा उस चीज़ को या है ना मुंह में भी रखा जो भी आपकी पसंद की खाने की चीज़ है मुंह में भी रखे तो भी मुंह में ऐसा पानी आ जाता है है ना क्यों होता है ऐसा राइट तो यही है हमें यही देखना है कि न्यूरल एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन राइट right? मतलब क्या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है सभी जितने भी चीज़ें हमने देखी जो हो रही है है ना सभी डाइजेशन हो रहा है चर्निंग मूवमेंट हो रही है पेरिस्टाइलिस हो रही है है ना सब कुछ चीज़ें हो रही है उसके साथ साथ डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट हो रहा है उस उस जगह पे सही टाइम पे है ना तो होता कैसे है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन राइट तो जो भी एक्टिविटीज़ राइट right? हम बोले सीधे सीधे की एक्टिविटीज राइट एक्टिविटीज ऑफ द एलिमेंट्री कैनल गैस टू इंटर टैनल ट्रैक एक्टिविटीज ऑफ एलिमेंट्री कैनल ओके ओके एलिमेंट्री कैनल राइट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरल है ना न्यूरल एंड हार्मोनोर्डिनेशन खत्म बस इसमें कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है मैंने बोला था लास्ट वाला पार्ट बहुत सिंपल और सीधा सीधा है मतलब अगर हम कोई देखते हैं साइट मतलब हम देख रहे हैं किसी चीज को स्मेल कर रहे या कोई द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइक प्रेजेंस ऑफ फूड इन अवर माउथ है ना राइट राइट कैन टिबुलट दिक्रेशन ऑफ सलाइवा राइट यह हमें पता है ओके okay. तो वही है न्यूरोल एंड हारमोनल कोर्डिनेशन ओके अब इस ये होता कैसे है यह पूरा डीप जो है ना चैप्टर एक अलग चैप्टर है वो देखेंगे हम अच्छे से प्यार से उस चैप्टर को राइट right? तो अब देखो जो हमारा ये सिर्फ जान लो कि जो होता है न्यूरोल और हारमोल कोर्डिनेशन की वजह से होता है, है ना कॉर्डिनेट करने के लिए हारमोनल सिस्टम है न्यूरल सिस्टम है राइट right? ये दोनों मिल के सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते ओके okay, यहाँ तक समझ आए याद रखो इस चीज़ को अब आगे जाना है हमें आगे ये कि जो हमारा डाइजेस्टेड प्रोजेक्ट थे है ना जो डाइजेस्टेड हमारे प्रोडक्ट्स थे डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस थे है ना जो हमारे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स थे हमने जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड से लेके अगर स्टार्च है स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है है ना मतलब है ना तो उसको हमने डाइजेस्ट करते करते स्मॉल इंटेस्टाइट तक डिओडिनम तक है ना डिओडिनम तक कहाँ तक डिओडिनम तक डिओडिनम तक उसका क्या हो गया स्टार्स का क्या हो गया स्टार्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है ग्लूकोज है ना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज में राइट ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज इसमें कन्वर्ट हो गया वो ओके तो ये जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज है ना इसमें कन्वर्ट हो गया वैसे ही अगर हम कहे प्रोटीन्स है वो कन्वर्ट हो गया अमोन एसिड्स में है ना एसिड्स में कन्वर्ट हो गया अब जो ये ये जो ये जो कॉम्प्लेक्स ये जो कॉम्प्लेक्स मतलब ये जो स्टार्च है प्रोटीन से ये कॉम्प्लेक्स है राइट तो इसके जो सिंपलर फॉर्म है वो कन्वर्ट हो गया डिओडेनम तक हमारा डाइजेशन कम्प्लीट हो गया अब उसको एब्सॉब भी करना होगा ना है ना अगर हमें ग्लूकोज है प्रोक्टोज है ये सब किस चीज़ के लिए चाहिए एनर्जी के लिए उससे एनर्जी मिलती है है ना डिस्प्रेशन में देखेंगे अगर अगला डिस्प्रेशन में देखें राइट तो उससे क्या होता है एनर्जी मिलती राइट मिलती कि नहीं मिलती वैसे ही एसिड्स इससे क्या होता है वामन एसिड यामोन से मिल अलग प्रोटीन्स तैयार होते हैं या प्रोटीन्स प्रोटीन्स कोई भी प्रोटीनिक चेन मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनाना है तो ओमोन एसिड से बनता है खत्म ये यहाँ तक समझ आए तो अभी अभी ये यूटिलाइज तो करना है ऐप को करना होगा जो हमें एलिमेंट्री कैनल पर वो है अभी है ना हमारा एजू ट्रैक में है अभी वो डिओडन तक आ गया है डिओडन तक मतलब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अब भी उसको एप्सअप करना होगा है ना बॉडी के सेल सेल तक पहुंचाने के लिए उसको एप्सअप करना होगा राइट तो एलिमेंट्री एलिमेंटेनर से ऐप्सअप करना है राइट तो हमें वही देखना है अभी डाइजेस्ट तो हो गया सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गया डाइजेशन की हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो तो कंप्लीट हो गई यहाँ तक ओके बट उसको एप्सअप भी करना है राइट तो हमें यही देखना है अभी राइट हमें वही देखना है अभी ओके okay. तो हमें वही देखना है कि एप्सऑप्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स वैसे दिवाली में क्या क्या प्लान है रे तुम लोगों के एप्सऑप्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स राइट ऑफ प्रोडक्ट्स अब देखो अब देखो राइट एप्स ऑप्शन इज द प्रोसेस बाय विच राइट एप्स ऑप्शन अगर डेफिनेशन देखे right? De अगर देखें हम राइट डेफिनेशन अगर देखें हम ओके की एप्स ऑप्शन राइट इज द प्रोसेस एन सी जा रहे हैं वहाँ याद रखो प्रोसेस बाय विच राइट दी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, राइट पास थ्रू दी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा राइट

ज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन जो एंड प्रोडक्ट्स रहे हमने एसिड ग्लूकोज ये एंड प्रोडक्ट्स डाइजेशन के ओके वो पास थ्रू द इंडस्टानल म्यूकोज से पास होकर चार लेयर मतलब वो चार लेयर नहीं क्रॉस करते हमने देखा था कि सब म्यूकोजा में क्या है इज मेड अपड लूज करेंट इश्यू मतलब ब्लड लिम है ना ये सब चीजों से बनाए तो इज पांच थ्रू म्यूकोजा इंटू द ब्लड है ना ब्लड में जाता है और लिम्फ में जाता है राइट right. तो ब्लड में गया तो फिर ब्लड क्या करता है सर्कुलेट करता है अलग अलग सेल तक है ना ब्लड में अगर ग्लूकोज जा रहा है तो वो ग्लूकोज अलग अलग सेल तक पहुंच जाता है और सेल में उसका ब्लिड होता है उससे एनर्जी निकलती है और एनर्जी यूटिलाइज होती है जिससे हम काम कर पाते हैं सिंपल ओके ठीक है यहाँ तक समझ आए अब अब ये जो ये जो, जो एलिमेंट कैनल है राइट यहाँ पे इसकी ये जो वाल है ये चार लेयर से बनी है है ना अब देखो अगर ये यहाँ पे सपोज अमन है उसको अगर ये क्रॉस करना है है ना तो वो क्रॉस होता है डायरेक्टली तो ना क्रॉस हो सकता है ना वो क्रॉस होने के लिए राइट right? वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए वो तीन मेथड से हो सकता है पैसेवली हो सकता है मतलब बिंदास नॉर्मली नोडेंशन है ना मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड नहीं है, है ना अगेंस्ट नहीं ठीक है पैसेवली मतलब नॉर्मली राइट नॉर्मली मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो आगे कम है यहाँ ज्यादा है इसकी वजह से वो जा रहा है आगे आसानी से है ना यहाँ पे एनर्जी की यूटिलाइज नहीं होता किसी चीज का नो चैनल्स है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट राइट अब देखो फिर ट्रांसपोर्ट मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन्स या प्रोटीन चैनल्स कुछ तो भी हो है ना कुछ कुछ चैनल्स है ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं वो उसी उसी में से जा सकता है अगर नहीं है वो चैनल या वो प्रोटीन वहाँ पे तो वो क्रॉस नहीं कर सकता दैट्स इट फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट ओके फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि वो अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियो मतलब कुछ भी हो जाए उसको एलिमेंट्री कैनल से निकाल के ब्लड में लाना ही लाना है कुछ भी हो जाए है ना भले ही ब्लड में वो पर्टिकुलर चीज़ का मतलब पर्टिकुलर चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा है बट तभी भी तभी वो उसको लाना है तो अगर वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ना तो उसको खींच के लाना है तो एनर्जी तो लगेगी राइट सीधी सी बात है तीन चीज़ों के तीन चीज़ों से लेकर मतलब तीन चीज़ों के तीन चीज़ों से तीन मेथड से ये होता है राइट ये बेसिक चीज समझ आई बेसिक जो मैंने बताया अभी जो एब्सप्शन होता है इट इज कैरीड आउट बाय थ्री मेथड्स पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना फिर फैसिलिटेड लैगो है क्यों हो रहा है अभी तक देखो ओके okay, आ गया ओके फाइन सॉरी यार वो तो पता नहीं क्या होता है यार बीच बीच में मतलब आ, शायद मेरे कैमरा का प्रॉब्लम आई डोंट नो किसी के प्रॉब्लम जो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन ओके okay? <laughs> ठीक है चलो तो देखते हैं अब देखो पैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है ना मैंने बताया इसके इसका मीनिंग बताया था शॉर्ट शॉर्ट चीजों में शॉर्ट शॉर्ट टाइम में ओके और फिर क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओके अब एक एक को देखेंगे हम ओके पैसिवली क्या ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिवली क्या ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन से या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है ओके राइट वो देखेंगे हम ओके okay. अब बेसिकली क्या है कि वहाँ पे एक आ, एक डायग्राम है या एक चीज़ है ओके okay. वो मैं अच्छे से देखनी है वो डायग्राम जो वो चार्ट है गेंस आर डी में एप्स ऑप्शन के इसमें ओके तो वो पूरा याद होना चाहिए क्योंकि कहाँ पे क्या एप्सॉप होता है वो इम्पोर्टेंट है ओके okay. सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि पैसे क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है है ना ऐसा नहीं है अब मैं आपको बताऊंगा एक चीज बताऊंगा ओके एक सेकेंड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट ओके बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है ओके सबसे सब पहले पैसिली मतलब पैसिवली मतलब एक नॉर्मली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में आगे जो कंसंट्रेशन है उस सब्सटेंसेस का वो कम है और जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा है इसकी वजह से वो कम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तक जा रहा है है ना कम कॉन्सनट्रेशन जाए वहाँ जा रहा है ओके ऑब्वियसली ब्लड अगर ये सपोज ये एलिमेंट्री कैनल है, है ना और यहाँ पे ब्लड है ऐसा कहे राइट तो यहाँ पे अगर हम कहें कि ग्लूकोज है है ना ग्लूकोज है यहाँ पर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है और ब्लड में कम है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है यहाँ पे कम है है ना मतलब ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये यह ज्यादा यहाँ पे एलिमेंटरी इसकी वजह से वो जा रहा है इजीली जा रहा है इजीली इजीली ट्रांसपोर्ट इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट ओके तो तो क्या क्या होता है पैसिल ट्रांसपोर्ट याद रखना स्मॉल अमाउंट्स ग्लूकोज ओके अमान एसिड ठीक है अब अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते है, है ना सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, क्लोराइड ओके ये पैसे ले जाते हैं वैसे अगर हम कहे कि वैसे अगर हम कहे कि दूसरा जो है है ना फैसिलेटेड मतलब ये भी कॉन्सेंट्रेशन गार्डेंट के साथ ही होता है जो भी है है ना मतलब अगर कहे तो ये अगर एलिमेंट्री कैनल है ओके ये एलिमेंट्री कैनल है यहाँ पे ब्लड है है ना ये ब्लड है ये पूरा एलिमेंट्री कैनल है ओके एलिमेंट्री कैनल है यहाँ पे ब्लड है ओके okay, अब अगर हम कहे ऐसा अगर हम कहे ऐसा कि यहाँ पे कुछ ग्लूकोज है है ग्लूकोज है या अमोना एसिड है जो भी है, है ना वो यहाँ पे उसका कॉन्सनट्रेशन गार्डियन बहुत ज़्यादा है ओके okay? यहाँ पे कम है इसके लिए वो जाना चाहता है बट 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 वो तभी जाएगा तभी जाएगा जब उसका कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन या स्पेसिफिक चैनल वहाँ पे होगा है ना ये वो अगर ये ग्लूकोज़ है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका स्पेसिफिक एक रिसेप्टर बोलते हैं ना उस तरीके से एक स्पेसिफिक चैनल है तो वही उसी से जाएगा सिर्फ ओके okay? वो उसी से जाएगा राइट right? अगर ये एसिड का है तो एसिड से जाएगा ये ग्लूकोज के इसमें से नहीं जाएगा राइट ये जो है राइट ये एसिड है ना इसका ये स्पेसिफिक इस चैनल है है ना अगर ये ये उसका चैनल है तो वो उसी में से जाएगा एसिड अगर ये ग्लूकोज के चैनल से जाएगा तो नहीं जाएगा राइट ऐसे ये भी ये भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट के साथ ही हो रहा है जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ था पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे कुछ उसके स्पेसिफिक चैनल्स हैं ओके तो इसमें होता क्या है इसमें चैनल्स कौन से कौन मतलब इसमें होता क्या क्या ट्रांसपोर्ट क्या, क्या क्या होता है राइट right. इसमें एक चीज़ याद रखना मैंने जो बोला ये सब सेम ही है बट विच रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन जो कैरी कर सके उसके बिना नहीं, नहीं वो ट्रांसपोर्ट होगा विच रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन ओके अब क्या क्या ग्लूकोज मैंने बोला अभी ग्लूकोज है ना अमोना एसिड पैसे जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ना नॉर्मली ग्लूकोज जो होता है स्मॉल अमाउंट में ही ट्रांसपोर्ट होता है ओके अब देखो तो तीसरा पार्ट है वो देखेंगे हम ओके जो तीसरा है तीसरा क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओके क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओके अब देखो यहां पे अगर हम कहे ओके एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओके पै कर ये एलिमेंट्री कैनल है ये एलिमेंट्री कैनल है ओके ये एलिमेंट्री कैनल है राइट और यहाँ पे अगर ब्लड है राइट ये पूरा एलिमेंट्री कैनल है अपना ये जो गट है है ना यहाँ पूरा डाइजेशन हुआ है डाइजेस्ट प्रोडक्ट इस, इस एलिमेंट्री कैनल में यहाँ पे ब्लड है ओके ये इसमें जाना चाहते हैं ओके अब देखो जाना चाहते हैं मतलब जाना है उसको ओके अब देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ में उसका ब्लड में ब्लड में अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ना बहुत ज़्यादा होता है बहुत मतलब फूल पी लें बट उसकी ज़रूरत इतनी होती है कि वो अगर ज़्यादा भी होना तभी चल जाए है ना तभी चलेगा फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है ना सोडियम सोडियम सोडियो आय सोडिय। भी लगते हैं ना तो उसको जाने देना नहीं आगे है ना उसको जाने देना नहीं है फीसेस के साथ साथ में उसको जाने देना नहीं है उसको ना अगेन तो कॉन्सेंट्रेशन गार्डेन भी होना तभी उसको तभी उसको एब्सॉप कर लेना है अगर उसको एब्सॉप करना है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तभी भी वो नॉर्मली तो जाएगा नहीं है ना तो उसको एनर्जी लगेगी एनर्जी लगेगी एनर्जी लगेगी सब करने के लिए बस इतना ही डिफरेंस है याद रखो ज़्यादा कुछ नहीं राइट right? मतलब ये अगेन तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है विच रिक्वायर्स एनर्जी ओके समझ आ रहा है इट इज अगेन्स्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ना विच रिक्वायर्स एनर्जी राइट ठीक है अब देखो इसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है हो सकता है अमोन एसिड है राइट फिर ग्लूकोज है है ना मतलब जबरदस्ती उसको एप्सप्ट किया जाता है तो इसके लिए एनर्जी लगती है <laughs> ठीक है सोडियम ओके okay? कंफ्यूज नहीं होना है अब देखो अब इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है अभी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है एनसीआरटी पढ़ रहे हो ना एन है ना आपके पास जो कि मैं आई बोलता हूँ इस चीज़ को मैं आई एम पी बोलूंगा ओके okay? ओके ओके फेचो डॉक्टर्स ओके माए गिर गया था रे नीचे ओके <laughs> okay, चलो एक आएम भी चीज बता रहा हो है ना जो फैटी एसिड्स होते हैं right? राइट जो जो फैटी एसिड्स होते, right? होते हैं राइट जो फैटी एसिड्स होते हैं फैटी एसिड्स जो फैटी एसिड्स होते हैं ओके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब देखो हमारा जो फैट होता है है ना उसका ब्रेकडाउन होता है है ना वो ब्रेकडाउन होने के बाद जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है फैसे एसिड्स है ना फिर ग्लिसरॉल अलग अलग होता है फिर ये जो होता है अब ये एब्जॉर्बेटेड फॉर्म है बट नॉर्मली क्या होता है पता है? ये ना ब्लड में नहीं हो सकता क्यों क्योंकि क्यों पता है, सुनो चाप्टर, चाप्टर ये जो, ये जो है ना यही इंपॉर्टेंट है उसके बाद चैप्टर एंड कर एं, एंड एंड होगा ओके अब देखो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो फैटी है नॉर्मली एप्सॉप नहीं होते राइट इट कैन नॉट बी एब्सॉप राइट इन टू द ब्लड डायरेक्टली इट कैन नॉट राइट इट कैन नॉट बी एफ इनटू इन टू द ब्लड डायरेक्टली, राइट याद रखो ये डायरेक्टली ब्लड में बाकी सब के सब ग्लूकोज हो फ्रूको मतलब ग्लूकोज हो या गैलेक्टोज हो कुछ भी हो अमोन एसिड हो वो डायरेक्टली या इलेक्ट्रोलाइट्स हो डायरेक्टली आप सब होते ब्लड में बट 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 ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है मतलब जो फैट के डाइजेस्ट मतलब फैट का आ, फैट का ब्रेकडाउन होने के बाद जो सिंपलर फॉर्म है उसका ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स वो डायरेक्टली एपसॉप नहीं होते ब्लड, ब्लड में ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एप्सॉप नहीं होते ब्लड स्ट्रीम में याद रखो क्या वो कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी एप्सॉप्टन टू द ब्लड डायरेक्टली ओके सो राइट तो क्या होता है सबसे पहले क्यों क्योंकि थोड़े थोड़े बड़े पार्टिकल यार थोड़े थोड़े ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स ये ना थोड़ा थोड़ा बड़ा है अब देखो ग्लिसरॉल अगर कहे तो ये ट्राकार्बोक् मतलब कार्बोक्सिलिक नहीं <laughs> ये अल्कोहल है ना है ना ये थोड़े थोड़े बड़े पार्टिकल है थोड़े थोड़े ऐसा कह सकते हैं हम डायरेक्टली हमें नहीं होते सीधे सीधे हम कहे दो लॉजिक जान दो सिर्फ याद रखो ओके तो उसका क्या होता है फिर एपसॉप कैसे होता है है ना अल्टीमेटली वो ब्लड में जाता कैसे राइट अब अल्टीमेटली वो ब्लड में जाता कैसे क्या होता है सबसे पहले क्या होता है राइट दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड मतलब इनकॉर्पोरेटेड मतलब ब्रेकडाउन होते हैं फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होते हैं right? राइट हम उसे मिसेल्स बोलते हैं दे आर इनकॉरपोरेटेड इन टू स्मॉल ड्रॉपलेट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स राइट हम उसे क्या बोलते हैं मिसेल्स हमने देखा था राइट राइट मिसेल्स सबसे पहले उसको उसका ब्रेकडाउन हो जाता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में उसे मिसल्स बोलते हैं ओके okay, अब अब उस मिसल्स का होता क्या है राइट right? अब जो मिसेल्स है इसका होता क्या है राइट right? अब सो so, मिसल्स देन मूव राइट इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा, म्यूको इंटेस्टाइनल जो म्यूकोज़ा है मिसल्स उसमें से जाता है राइट right? मतलब ये जो ये जो मिसल्स है देन मूव राइट द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा ओके okay? जो म्यूकोजा लेयर है उसमें से जो फर्स्ट लेयर है हमारा एलिमेट्रिकल का जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा है ना उसमें से वो अंदर घुसता है है ना अंदर जाता है राइट right? म्यूकोजा में जाता है राइट right? आता 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 क्या पूरा <laughs> अब अब जो म्यूकोजा है अब म्यूकोजा में होता क्या एक्चुअली अब जो हो रहा है वो म्यूकोजा में हो रहा है याद रखो कन्फ्यूज होना नहीं है जो हो रहा है म्यूकोजा में हो रहा है जो हो रहा है वो म्यूकोजा में हो रहा है म्यूकोजा लेयर है ना उसमें हो रहा है ठीक है अब जो म्यूकोजा में क्या होता है वो जो मिसेल्स है वो म्यूकोजा में आ गए अब जो म्यूकोजा है ना उसमें मिसेल्स आर रीफॉर्म वो फिर से मतलब क्या होगा था एलिमेंटरी में उसका क्या होगा था ब्रेकडाउन हो गया था है ना

वो जो मिसल्स है आर रीफॉर्म राइट इंटू वेरी स्मॉल राइट प्रोटीन कोटेड या प्रोटीन बाउंडेड फैट ग्लोबुल्स एम सी क्यों पॉइंट है यार मैं एम या सी क्यों आ सकते है ये, ये बोलूंगा ये ठीक है वो हम उसे बोलते हैं हम उसे क्या बोलते हैं चाय लो जो बोलते आप राइट का दिख रहा है दिख रहा है क्या बोलो मतलब एलिमेट कैनल में जब थे पेटेसिड से वो अंदर नहीं जा रहे थे ठीक है तो उसको अंदर जाने के लिए उसको ब्रेकडाउन हो गया है ना ब्रेकडाउन हो गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसे हम मिसल्स बोलते हैं मिसल्स मिकोजो में एंटर कर गए अब म्यूकोजल लेयर में जो हो रहा है म्यूकोजल लेयर में हो रहा है ठीक है म्यूकोजो में एंटर कर गए फस्ट जो लेयर है उसमें आने के बाद फिर से रिफॉर्म रिफॉर्म हो गए फिर से फिर से ग्लिसरॉल तो ग्सुल बन गया फैटी एसिड फैटी एसिड बन गए अब उसका क्या हो गया वो रिफॉर्म हो गए रिफॉर्म हो गए राइट फिर से उन्हीं स्ट्रक्चर में बट उसके बाद क्या हुआ रिफॉर्म होके भी वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में स्मॉल ऐसे ग्लोब्यूल्स में है ना ग्लोब्यूल्स में फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए है ना उसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है कोटेड फ्लाट गोबल्स में कनक्ट हो गए वेरी थिंग ओके तो हम उससे बोलते हैं चाइलो माइक्रॉन्स राइट चाइलो माइक्रॉन्स ओके अभी जो चाइलो माइक्रॉन्स है राइट अब ये जो चाइलो माइक्रॉन्स है राइट अभी जो चाइलो माइक्रॉन्स है अभी जो चाइलो माइक्रॉन्स है उसका क्या होता है राइट विच इन दे विच इज देन राइट विच देन ट्रांसपोर्टेड इन टू लिम्पेज इन टू द लिम्पेजल्स राइट जो हमारी स्मॉल इंटेस्ट एन वाली बड़ी लिम्प फेजल होती है ना लैक्टियल हम उसे बोलते हैं है ना लैक्टियल जो बड़ी होती है उसे उसमें वो चले जाते हैं राइट right? उसमें वो चले जाते हैं राइट right? जो हमारा विलाय होता है ना विलाय विलाय में विलाय में एक विलाय में एक लिम्फ होती है लिम्फ होती है सप्लाई करती है उसे लैक्टियल बोलते हैं ना राइट याद आया कुछ तो उसमें वो चाइल्ड माइक्रोन चले जाते हैं राइट right? उसमें वो चले चाइल्ड माइक्रोन चले जाते हैं राइट right? अभी जो अभी जो लैक्टियल है राइट जो बॉडी सी लैक्टियल होती है बॉडी सी लिंप होती है वो अल्टीमेटली क्या करती है पता है क्या वो अल्टीमेटली रिलीज द दबे इन टू द ब्लड स्ट्रीम अल्टीमेटली वो ब्लड स्ट्रीम में जाके कनेक्ट होती है फिर उसमें वो जो फैट हमारे ग्लोब्यूल्स है चायलो मैक्रॉन वो डिलीवर कर दिया है।, है ना वो रिलीज कर देती है खत्म मतलब ये हो गया राइट ये हो गया ये हो गया ये हमें पता है कि एक एक्सेप्शन था कि जो ऐसा प्रोडक्ट ज्वाइन प्रोडक्ट है ना वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ऐप्स नहीं हो रहा था तो उसको अलग 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 चीज़ें करके वो ब्लड स्ट्रीम में गया है ना मतलब इनडायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला गया अब कैसे गया हमने देखा राइट right? अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना कि आपको समझ आया नहीं आया पता चलेगा ओके okay, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले जो फैटी एसिड से या ग्लिसोरॉल है ओके okay. राइट right? एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहले वो ब्रेकडाउन होके उसका क्या बनता है वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स उसका क्या बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं बोलो चलो बोलो जल्दी उसे बोलो जल्दी से बोलो बोलो जल्दी से उसको क्या बोलते हैं चाइम नहीं बोलते आमिर बोलो जल्दी से बोलो सर ऑल फैटे उनका, उनको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में जब कन्वर्जन हो रहा है तो उसको तो क्या बोलते हैं बोलस नहीं अमीर मिसेल्स राजेंद्र राइट 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 अब वो जो मिसेल्स है है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है राइट मतलब क्या है कि जो ग्लिसरॉल है फैटेसिड उसका ब्रेकडाउन हो गया है ना अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए उसे से हम मिसल्स बोलते हैं राइट अब वो मिसल्स क्या होते हैं मिसल्स आगे को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ठीक है वो जो मिसेल्स है ना वो आगे जाते हैं तो कौन से लेयर जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल के चार लेयर होते हैं उसमें से कौन से लेयर में जाते बोलो जो वॉल है हमारा एलिमेंट्री कैंडल का उसके चार लेयर से बने होते हैं है ना? तो उसमें से वो चार लेयर में से कौन से लेयर में जाता है जो मिसेल से बोलो बोलो जल्दी से फटाक से फटाक से बोलो 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 अमीर बोलो राजेंद्र बाकी के कहा गए रे बाकी के कहा गए आज म्यूकोजा राइट मतलब जो इनर मोस्ट लेयर है हमारी इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा है ना उसमें चले जाते अब देखो अब म्यूकोजा में आने के बाद फिर से वो रीफॉर्म हो जाते रीफॉर्म मतलब पहले जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है उनका है ना अब रीफॉर्म होके उनके ना छोटे छुट छोटे ऐसे फैट ग्लोबिल्स बनते हैं फैट ग्लोबुल्स बनते हैं उसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है है ना फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं उसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं छोटे-छोटे ग्लोब्यूल्स ओके तो उनका नाम क्या है उसे हम क्या कहते हैं बोलो बोलो चलो संडे एंजॉय करने के <laughs> अरे ऐसे संडे एंजॉय करोगे तो यार कैसे होगा <laughs> मेरा भी संडे यार मैं भी एमबीबीएस करता हूं और मेरा संडे तो कैसा होना चाहिए बट मैं आज तीन लेक्चर ले रहा हूं ओके तो एनीवेज हाँ, तो फिर से रीफॉर्म जो जब मिसल्स होते म्यूकोजा में आने के बाद फिर से फिर से री रीइनफॉर्म हो जाते हैं है रीफॉर्म हो जाते हैं हैं रीफॉर्म हो जाते है ना फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर वो छोटे छोड़ छोटे छोड़ छोटे छोटे फैट ग्लोबल्स में प्रोटीन हैं उसका नाम क्या है चाइलोम राइट ये सीरी क्यों बीच बीच में कर रही है अब इसको बंद कैसे करूं मैं like वे बंद हो जाए। Sorry, okay. Okay, fine. अब देखो, अब जो चालो बने ना, जो भी हो रहा है कौन से लेयर में हो रहा है जो भी हो रहा है कौन से लेयर में हो रहा है फर्स्ट लेयर में हो रहा है राइट right? जो भी हो रहा है फर्स्ट लेयर में हो रहा है अब वो सीरीज बीच बीच में अचानक से ओपन होगी और अचानक से चल रहा था उसका कुछ ना कुछ तो हाँ, जो भी हो रहा है फर्स्ट लेयर में हो रहा है म्यूकोजा लेयर में कंफ्यूज नहीं होना है उस पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं ट्रिकी क्वेश्चन आते तो, तो आपको आते नहीं सीधे सीधे जो लाइन टू तो लाइन है वही आपको आता है अगर उसको घुमा फिरा के उसी क्वेश्चन को अगर पूछे तो फिर नहीं आता है तो इसके लिए मैं इतने बेसिक बेसिक से चीजें आपको बता रहा हूँ एनसीआर से ही जा रहे हैं एनसीआर के बाहर नहीं कुछ बता रहे हम राइट यहां तक समझ आया तो जो फैटी एसिड होते राइट राइट सर आप आपके एमबीबीएस की लाइफ के बारे में बताओ मोटिवेशन मिलता है अरे यार बहुत बताता हूँ मैं हर लेक्चर में आज तो मुझे बहुत तबीयत खराब है मेरी वैसे के लिए इसलिए मेरा आवाज़ छोटा नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के ऐसे छलांग मार मार के सब कुछ बताते रहता हूँ पढ़ाते भी वैसे ही है ना तो बेसिकली आज चैप्टर खत्म कर लेते हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अगर मेरा मूड हुआ तो मैं बताऊँगा हमारे जो किस्से होते हैं मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में जाने के बाद या कॉलेज में जाने के बाद जो होता है वैसे सीधे सीधे बोल देता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली ओके वो फिर कुछ भी हो ओके बेसिकली बहुत मजा आता है हाँ तो यहाँ तक समझ आया वही एक एक्सेप्शन था कि जो फैटी फैटीआइसिड्स और ग्लिसरॉल है उसका डायरेक्टली एप्सॉप्शन नहीं होता है ब्लड में उसे इनडायरेक्टली ले जाना जा ले जाया पड़ता है ठीक है ले जाना पड़ता है ओके तो फिर चाइलोमाइक्रॉन्स से म्यूकोजा में और फिर उसका क्या होता है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ना विलाय मतलब म्यूकोजा का मॉडिफिकेशन है वह आप एक ग्लैंड बनी है विलाय जैसे फिंग, फिंगर फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं उसे हम बिला बोलते हैं उसको सप्लाई करने के लिए ब्लड सप्लाई सब कुछ है फिर लिम सप्लाई भी है उस जो बड़ी सी लिम लिम फेजल का नाम क्या है लैक्टियल है ना फिर उस लैक्टियल में वो चैलो माइक्रोन्स चले जाते हैं फिर वहाँ से सीधे जाते हैं ब्लड में जाके मिल जाते हैं ब्लड में जाके रिलीज़ हो जाते हैं वो लैक्टियल लेके जाती है उस चैलो माइक्रोन्स को मतलब उस फैट ग्लोब्यूल्स को है ना मतलब अल्टीमेटली उसे हम क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स राइट फिर उसे लेके जाते हैं फिर उसको ब्लड में एंटर कर देते हैं या ब्लड में रिलीज कर देते हैं राइट right? फिर आगे अब आगे जो आईएमपी पॉइंट है या आईएमपी चीज है बताना चाहूंगा मैं बता बोल सकते हो उसे आईएमपी बोल सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते आईएमपी बोल सकते हैं राइट right? अब देखो डाइजेशन राइट डाइजेशन डाइजेशन कंप्लीटेड इन बोलो मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ चिल्ला चिल्ला के सभी लेक्चर्स में बताया मैंने डाइजेशन कंप्लीटेड इन बोलो कम टेल मी बोलो चलो बोलो जल्दी से बोलो डाइजेशन कंप्लीटेड इन कौन सा पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल बोलो डाइजेशन कंप्लीटेड इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल चलो टेल मी यार बताओ जल्दी से बताओ वी डोंट हैव टू मच टाइम ओके नीट आ रही है हमारी पास ही में आ रही है ओके बोलो डाइजेशन कंप्लीटेड इन डाइजेशन कंप्लीटेड इन कौन से पार्ट में होता है डाइजेशन कंप्लीट है ना बोर ओके okay. आपने आमिर सही कहा है ओके okay. आपने आमिर सही कहा है बट मैंने स्पेसिफिकली एक चीज़ कही है स्पेसिफिकली एक चीज़ बोली है स्पेसिफिकली एक चीज़ क्वेश्चन पूछा सिर्फ डाइजेशन बोला है मैंने एप्सअप्शन के बारे में बोला नहीं आमिर जस्ट टेन मी डाइजेशन कम्प्लीटेड इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल यहीं पर आप गलत करते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है हमें नॉलेज नहीं चाहिए हमें एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए अगर सिर्फ नॉलेज होती तो हमें थेरी ले लिख सकते हैं थेरी जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके फटाफ से कुछ भी फका मतलब कुछ भी लिख लिख के हम जैसे एम में लिखते हैं ना वैसे अगर नहीं भी आए तो कुछ भी लिख के आते हैं मतलब चार चार पेज लिख के आते हैं फेंक के आते वैसे अगर नॉलेज हो नॉर्मली तो हम लिख सकते हैं थेरी बट हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी है हमें एग्जैक्ट चीज़ पता होनी चाहिए राइट right? राजेंद्र राजेंद्र मैंने स्पेसिफिकली पूछा है डाइजेशन कंप्लीट ये आपका सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन राइट बट डाइजेशन कंप्लीटेड इन डिओडेनम में डिओडेनम में ही डाइजेशन कंप्लीट होता है उसके आगे उसके मैंने बोला है पहले ही बोला था उसके आगे जो भी होता है सिर्फ एप्स होता है राइट right? अब देखो वही जो छोटा सा पार्ट है ये जो छोटा सा पार्ट है ड्योडिनम ऐसा सी शेप पार्ट है सिर्फ छोटा सा पार्ट है ड्योडिनम राइट उसी में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो भी होता है ना वो पूरा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है मैक्सिमम क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मतलब जेजूनम है है ना फिर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है एलियम लास्ट वाला वो उसमें पूरा का पूरा एप्सऑप्शन हो जाता है राइट right? पूरा का पूरा सभी डाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स है ना अमोन एसिड ग्लूकोज जो भी है फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल है ना जो भी है लाइक like फॉस्फोरस मतलब न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड्स के जितने भी एंड प्रोडक्ट्स है फॉस्फोरस है शुगर है नाइट्रोजन बेस सभी के सभी एप्सअप होते हैं उस इलियम है, में एंड जेजोनम में Right? तो एग्जैक्ट जो डाइजेशन होता है ना कंप्लीट वो में कंप्लीट हो जाता है डिओनम से बाहर नहीं बोल रहा हूं याद रखो पढ़ो आपको समझ आएगा कि कहां पे है ओके कंफ्यूज तो नहीं होना डाइजेशन कंप्लीट इन डिओडोनम स्मॉल इंटेस्टाइन अगर वहां पे ऑप्शन दिख रहा है डिओडोनम नहीं है तो स्मॉल टिक करना राइट अगर डिओडेनम भी है स्मॉल इंटेस्टाइन भी है तो मोर करेक्ट आंसर है ठीक है ठीक है आई होप आपको समझ गया ठीक है अब जो एप्स ऑप्शन है राइट एप्स ऑप्शन मैक्सिमम तो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं और स्पेसिफिकली पूछे तो इलियम और जेजुनम ओके ओके ठीक है अब हम एप्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं एब्सप्शन जो एप्सप्शन ऑफ फूड इन कहाँ कहाँ हो सकता है सिर्फ इंटेस्टाइन में नहीं होता ओके माउथ okay. से लेकर माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक एब्सप्शन होता है एप्सप्शन कहाँ कहाँ होता है माउथ में है ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही होगी और दूसरी चीज बीच बीच में वो वो वियर्ड सा सर्दी वाला साउंड आ रहा होगा तो प्लीज़ यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ओके okay. माउथ में होता है स्टमक में भी होता है है ना फिर कहा होता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है जिसे हम मैक्सिमम बोल सकते हैं है ना फिर कहा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है है ना लार्ज इंटेस्टाइन में होता है अब देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें मैक्सिमम होता है ओके एक्स ऑप्शन ओके एंड अब देखो माउथ में माउथ में कैप्सऑप होता है स्टमक में कैप्स ऑफ होता है है ना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कैप्स ऑप होता सॉरी और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कैप्सॉप होता है एक बार ये चार देख लेते हैं फिर चैप्टर को वहां पर फिर जो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है वो देख लेते हैं फिर कुछ चीज लाइक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पेम बोलते हैं उसे वो एक बार देख लेते फिर चैप्टर को खत्म करते ओके ओके चलो यार सॉरी एक सेकेंड ना सॉरी बेसिकली बात ऐसी है कि तबीयत बहुत खराब है रही इसकी वजह से हो रही है स्नीजिंग ठीक है अब देखते माउथ में क्या क्या होता है है ना फटाक से देख लेते हैं चैप्टर को एंड करना है हमें फिर क्वेश्चन पूछेंगे चार पांच है ना फिर चैप्टर को पूरा एंड कर देते ओके चलो माउथ में क्या क्या होता है हम एन के बाहर कुछ नहीं करना है हमें एन के एक लाइन भी नहीं पढ़नी है कुछ ड्रग्स है ना फिर स्टमक में है ना स्टमक में वाटर है ना वाटर कैप्सूल होता है जो सिंपल शुगर्स होती है ना वो है ना फिर अल्कोहल इंपॉर्टेंट है ना? इसको मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूं इसका मतलब ये कि अगर अल्कोहल का जो मतलब बहुत बहुत उन लोगों का पसंदीदा क्वेश्चन है अल्कोहल उनका बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है अल्कोहल उनका बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है ओके आगे देखते याद रखना कन्फ्यूज नहीं होना ओके जो तीसरा पार्ट है हमारा स्मॉल इंडेस्टाइन ओके जो हमारा तीसरा पार्ट है स्मॉल इंडेस्टाइन उसमें क्या क्या होता है ओके स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ होता है ऑलमोस्ट सबके सब चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्सोप्ट हो जाते हैं याद रखो ये मेरा पहला ठीक है बट इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एबसॉप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्सॉप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओके सबसे पहले हम ये लिखेंगे इट इज द इट इज द प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं है ओके प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एप्स ऑप्शन ओके ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओके डाइजेशन कंप्लीट सियर ये कैंसर एक एक फिर से लिख रहा हूँ मैं मतलब डाइजेशन जो होता है हमारा कंप्लीट्स ओके okay, yeah. फिर क्या क्या होता है ग्लूकोज सभी के सभी हाँ सभी के सभी हमारे सभी सभी फ्रुक्टोज है ना फ्रुक्टोज फिर हम फैटी एसिड्स बोल सकते हैं है ना फिर हम ग्लिसरॉल बोल सकते हैं फिर हम अमोनिया एसिड बोल सकते हैं राइट ये सभी के सभी यहाँ पे आप सब हो जाते हैं आसानी से और मैक्सिमम अमाउंट में राइट मैक्सिमम अमाउंट है ओके अब अब हम इसे कहेंगे अब देखो यहाँ पे अगर ये सब की सब ग्लूकोज डायरेक्टली ब्लड में जाता है फ्रुक्टोज डायरेक्टली ब्लड में जाता है अमोना एसिड डायरेक्टली ब्लड में जाता है है ना बट ये जो फैटी एसिड है इंग्लिसोरन है ये भी ब्लड में जाते हैं बट इनडायरेक्टली जाते हैं हमने देखा अब कैसे जाते हैं अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो एम सी पॉइंट है याद रखना चालो माइक्रोस बन के है ना वो प्रोटीन को चालो माइक्रोस है क्या वो प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल्स है वगैरह वगैरह वो फिर लैक्टेल से जाके ब्लड में मिल जाते हैं है ना यहाँ तक ठीक है यहाँ तक ठीक है यहाँ तक ठीक है ना अब लास्ट जो जो पार्ट है हमारा लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन उसमें क्या होता है उसमें क्या क्या सब होता है उसमें डाइजेशन नहीं होता है हाँ राइट right? उसमें डाइजेशन नहीं होता है कन्फ्यूज या मत जाना ओके राइट <laughs> okay. right? वाटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वही पे एपसअप आप हो जाता है मिनरल्स मतलब जो इलेक्ट्राइड्स बोलते हैं हम सभी के सभी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर लार्ज टाइम में एपसअप आप हो जाता है ओके okay? फिर ड्रग्स ओके okay. ठीक है और जो अल्कोहल वाला क्वेश्चन है ना स्टमक वाला वो याद रखना बहुत बहुत बार मतलब वो वही पूछा जाता है एप्स ऑप्शन में अगर कहे तो राइट right? हम देखेंगे अभी डिसऑर्डर्स ऑफ एंड पार्ट है चैप्टर का डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ओके डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आज ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं यार बहुत ज्यादा हो रहा है बट बट जान दो चैप्टर को खत्म कर दे नया चाप्टर को स्टार्ट करना है अब देखो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है है ना उसके रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी है जो नॉर्मली होते रहते हैं नॉर्मली होते हैं जो कॉमन डिसीज या कॉमन डिसऑर्डर या कॉमन डिस हम बोलते उसे, उसे, इलनेस ऐसे बोल सकते हैं हम कॉमन है ना मतलब डायरिया होता रहता है है ना कॉन्स्टिपेशन होता रहता है जॉन्डिस भी होता है कभी कभी है ना और फिर नॉर्मली सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना इन्फेक्शन जो ज़्यादा होता है इन्फेक्शन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो या लाइक like, वो सबसे बड़ा होता है है ना तो इंफ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट राइट इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये जो है ना मोस्ट कॉमन है मोस्ट कॉमन राइट याद रखना मोस्ट कॉमन क्या है अगर डिसऑर्डर्स में पूछा है, तो इंटे, जो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना इंटेस्टाइन उसका इन्फेक्शन इन्फेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ट्रैक्ट, राइट तो फिर काढ़ा पी लेना और भिक्स लगा लेना राजेंद्र बातें ऐसी है कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ यार हॉस्टल में है ना तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और याद भी नहीं रहता अगर घर पे होता ना मम्मी बना के देती है ना माँ जी बनू माँ जाने बनू दे लस्तमला घर ही तो बट क्या करो मतलब बट क्या करे यार क्या करें घर गर पे नहीं हूँ अभी जाने वाला हूँ तीन तारीख को हमारे शायद तीन चार दिन तीन दिन तक मतलब वो भावदूज होती है ना तब तक भाई दूज भाई दूज जो होता है ना तब तक शायद उस दिन तक हमारे लेक्चर नहीं हो गए है ना ये तो हमारा चल रहा है वो तो लेक्चर लेंगे हम ओके देखते क्या होता है ओके तो या तीन तारीख को जाऊँगा मैं घर पर पे दबा के खाना खाऊंगा मम्मी के हाथ का और फिर मतलब अगले तीन चार महीने का एक साथ खा के आऊंगा घर से नहीं रे बना तो बनाना तो मुझे सब कुछ आता है खाना बनाना यार सब कुछ मुझे सब कुछ बनाना आता है मैं सीख गया हॉस्टल में आके मैं सब कुछ सीख गया बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं सब कुछ खाना मैं सबसे अच्छा बनाता हूँ यहाँ पे हॉस्टल में सबसे अच्छा ओके बट okay. बात ऐसी कि टाइम नहीं मिल पाता है ना कुछ बनाने के लिए अरे मेस में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है अब देखो हमारा लेक्चर रात के ग्यारह बजे तक चल रहा था ओके okay. तब यार मेस में कुछ बचता ही नहीं तो खाने के लिए तो क्या है थोड़ा बहुत मैं ऐसे ही यहाँ पर कैंटीन में जाके दूध वगैरह पी लेता हूँ नहीं तो अगर बचा कुछ खाना है मेस में वो पूरी सूखी सूखी रोटी होती है और मेस में कैसे होता है ना अगर गर्म खाए तो ही लगता है कि कुछ खाया बट वो खाया खाया नहीं जाता फिर वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है ठंडा हो जाता है ना वो बहुत बकवास लगता है और वो खा लेता हूँ ऐसा कभी कभी भूल जाता हूँ कि खाना खाना है मुझे तो ऐसा होता है तो यही कुछ चीज़ है अब घर पे जाऊंगा ना घर पे जाकर ना पूरा दबा के खाना होगा इतना कि मम्मी को बोलूँगा मम्मी अभी ये बना रहा मम्मी आज वो बनाना मतलब सभी सभी फेवरेट फेवरेट चीज़ें सभी बना के खा लूँगा है ना मम्मी बना के देंगे खा लूँगा बहुत अच्छे से बहुत प्यार से अब मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूँ कब मैं घर जाओ यार कब मैं घर जाओ पता यहाँ से मेरा अराउंड मुझे मेरा घर है ना फोर मतलब साढ़े चार सौ किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर फिर वहाँ घर पे जाऊंगा और बहुत खाऊंगा यार सच में बहुत मतलब मन ऐसा वहाँ पे लगा रखा है मैं बट या कर रही ये भी इंपॉर्टेंट है अगर ये लेक्चर वगैरह नहीं होता ना तो मैं कब का चला जाता कब का मतलब दस पंद्रह दिन पहले ही चला जाता मैं बट क्या मैं सब हाँ हाँ बेसिकली मेरे हॉस्टल में अभी कोई नहीं बचा है कोई नहीं बचा है मेरे हॉस्टल में अभी सिर्फ इंटर्न है जो अभी इनकी इंटर्नशिप चल रही है ना वही है जिनका एम बी खत्म हो गया इंटर्नशिप पोस्टिंग होती है ना हॉस्पिटल में वो कम करनी पड़ती कंपलसरी वही लोग बचे बाकी के सब के सब मेरे दोस्त हो मेरे बैचमेट्स हो सब के सब घर चले गए मैं अकेला हूँ हॉस्टल में बस मेरे दोस्त अगर मुझे कुछ मिलना हो किसी से बात करनी हो तो मेरे दोस्त है चार पांच हॉस्टल के बाहर कभी कभी चाय पीले पीते पीते उनसे बातें करता हो वो दोस्त मतलब एक 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 एक, एक फीमेल डॉग है और उसके सात बच्चे एक एक महीने के वो सात बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ उनसे बातें करता हो बस वही मेरे दोस्त है अभी <laughs> अब क्या करूँ <laughs> अब क्या करूँ यार <laughs> कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो <laughs> चलो चलो आगे सब सब देखा सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो है कि मोस्ट कॉमन ये है मोस्ट कॉमन ये है कि इंफ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट राइट इंफ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मोस्ट कॉमन क्या है इंफ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट राइट मतलब वायरल इंफेक्शन बैक्टीरियल इंफेक्शन सीधे सीधे इंटेस्टाइन का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन है ना वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन राइट right? ये इम्पोर्टेंट है राइट right? फिर उससे अगर हम आगे जाए थोड़ा बहुत और और चीज़ें डिस्कस करें राइट राइट इन्फेक्शन जो है सिर्फ वायरल नहीं होता बैक्टीरियल नहीं होता कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं है ना कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं वो भी इन्फेक्शन कर सकते हैं इन्फेक्ट हो सकते है ना उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन को है ना कुछ पैरासाइट्स राइट स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनसे इंपेक्शन हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं टेप वर्म अब ये सब वर्म वगैरह ये सब चीज़ें किंग मेले में देखेंगे हम बहुत प्यार से उसको पढ़ाएंगे बहुत प्यार से वो चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं एक एक एग्जाम्पल आपको याद रहना ही चाहिए कुछ भी हो जाए राइट right? कुछ भी हो जाए और हाँ एक चीज़ आपको बतानी है एक चीज़ एक अपडेट बताना है एक अपडेट बनाना है ठीक है एक आपको अपडेट बताना है अभी आपसे एक नवंबर से या जो भी चीज़ है वहाँ से मेरे सभी के सभी लेक्चर्स मेरे सभी के सभी लेक्चर्स है ना एक नंबर से मेरे सभी के सभी लेक्चर्स अनएकेडमी पर हो गए यूट्यूब चैनल पे नहीं होने वाले याद रखो आपको क्या लगता है सही होगा मतलब क्या है कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊंगा ना अगर मेरा लैपटॉप मेरे साथ में होगा और बस इंटरनेट कनेक्शन होगा बस मैं कहीं से भी लेक्चर ले सकता हूँ कहीं से भी मतलब सही बात है ना यार कोई टेंशन नहीं कोई बस इतना ही होगा बस इतना ही होगा सिर्फ कि यार ये जो है ना ऐसे खड़े रख खड़े रह के खड़े हो के ऐसे एक्टिवली मतलब मैं बैठ के भी एक्टिवली पढ़ाता हूँ बैठ के भी जोर ज़ोर से मतलब पढ़ा था बहुत अच्छे से बट अभी क्या है कि ये जो खड़े होके पढ़ा रहा ना वो फिर मिस हो जाएगा क्योंकि मुझे ऐसे एक्टिवली पढ़ाना पसंद है अभी मैं तबियत खराब है तभी भी मैं खड़े होकर पढ़ा रहा कल रात को भी मेरी तबियत खराब है बट दो घंटे कंटिन्यूस खड़े रह के पढ़ाया था मैंने है ना बट ऐसे ही वो मिस हो जाएगा फिर एनी क्या करें अब वो उनकी डिमांड है अब क्या कर सकते है ना तो एक नवंबर से अन एकेडमी के ऐप पे सभी के सभी मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू हो जाएंगे सभी के सभी याद रखना सभी के सभी मेरी एम बी की अरे मेरी एम बी की स्टोरी मैं सुनाऊंगा सुनाऊंगा बट ये पढ़ाई रह जाएगी ना एक काम करता हूँ ये चैप्टर को फटक से एंड कर लेते हैं और कुछ ना कुछ तो बता दें हो गया ठीक है ये चैप्टर का एंड ही चल रहा है ना डिसऑर्डर्स है ना एंड ही चल रहा है एंड होने के बाद मैं कुछ तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं और फिर वो थोड़ी बहुत स्टोरी बताने के बाद पाँच दस मिनट थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत स्टोरी बताने के बाद फिर चैप्टर को फर्स्ट पेज से फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और दूसरी चीज़ एक बार रीड कर लेते हैं मतलब मेरे ऊपर का जो मेरे ऊपर का टेंशन होगा कि यार आप लोग नहीं पढ़ते हो तो वो निकल जाएगा ओके okay? तो देखो इन्फेक्शन सिर्फ वायरल नहीं हो सकता इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इन्फेक्शन होता है नॉर्मली वही ज्यादा होता है मोस्ट कॉमन है मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर ना वही है राइट तो वो सिर्फ वायरल बैक्टेरियल नहीं होता पैरासाइट्स भी होते हैं है ना लाइक like, टेप वर्म हो या हुक वर्म राउंड वर्म जो भी है, है ना राउंड वर्म या फिर सबके सब वर्म सबके सब वर्म राइट सब के सब वर्म, <laughs> सब के सब वर्म. है ना राइट right, एन में है वो पूरे के पूरे याद रखना ओके okay. अब देखते दूसरी चीज जॉन्डिस जॉन्डिस पीलिया <laughs> पीलिया बोलते क्या हिंदी में जॉन्डिस को क्या बोलते है? बोलो क्या बोलते हैं जॉन्डिस को हिंदी में आपको पता है या जॉन्डिस को पीलिया बोलते हैं वो आपको अगर पीलिया पता है नाम पीलिया है ओके पीलिया क्यों बोलते हैं बेसिकली जॉन्डिस पीलिया है ना पीलिया का मीनिंग ये है कि आप आपको अमीर पता है राजेंद्र आपको भी पता है कि पीलिया बोलते हैं राइट पीलिया मतलब पीला पीला हो जाते आदमी ओके ओके फाइन तो क्यों बोलते हैं क्यों ऐसी क्या खासियत है थे? ऐसी क्या खासियत है कि पीलिया बोलते बोलो जॉन्डिस के बारे में कुछ तो पता होगा कुछ तो पता होगा ना जॉन्डिस के बारे में छोट थोड़ा बहुत है ना जो भी पता है बताओ जॉन्डिस के बारे में जो भी पता है बताओ पीलिया क्यों बोलते हैं या जॉन्डिस के बारे में और क्या पता है बताओ देन वी विल हेडिंग टू वर्ड्स और नेक्स्ट डिसऑर्डर ओके ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बायल पिगमेंट अरे हाँ आई नो लोकल पूछ रहा हो जो नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं कि क्यों होता है है ना लोकल लैंग्वेज में हिंदी में बताओ मुझे क्या ऐसा होता है ठीक है बाइल सालस ओके फाइन डालिया अब देखो फाइन फाइन ठीक है ओके अमीर ग्रेट है ना मेरा एक्सपेक्टेशन ये था मतलब तुमने सही बताया बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि आप कुछ अलग बताओगे है ना जो लोकल वो लोकल बोलते आइज येलो हो जाती है हाँ ऐसा कुछ राइट राजेंद्र यस मतलब सब कुछ स्किन येलो हो जाती है है ना स्किन येलो होती है ये सब चीज़ें आइज येलो होते हैं हाँ यही मैं पूछ रहा था आपको ये सब चीज़ें मैंने बोला था पीलिया क्यों बोलते है ना आमिर आपने साइंटिफिक बताया राजेंद्र आपने भी साइंटिफिक ही बताया ओके ग्रेट अब देखो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो आर होते हैं ना हमारे आर हमारे आर है ना उनका लाइफ स्पैन पता है आपको कितना है आर का लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन कितना है बोलो आर का लाइफ स्पैन कितना है बोलो बोलो क्वेश्चन पूछू ना तो इंसान पीला हो जाता है इसलिए यस आमिर ग्रेट आमिर ही है ना यस आमिर वन ट्वेंटी डेज ओके ग्रेट वन ट्वेंटी डेज होने के बाद आपने सोचा है अभी आरबीसी का भी भी क्या होता है हाँ मतलब उनका लाइफ स्टाइल खत्म होने के बाद वो फिर मर जाते हैं फिर उसके बाद उनका क्या होता है हु? क्या होता है बोलो क्या होता है यार थोड़ी सी स्नीजिंग खत्म हो गई यार मेरी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हो क्या पता नहीं कैसे हुआ यार वो कुछ ऐसा टाइम होता है तब तक ना इतने ज़्यादा स्नीजिंग होती ना इतने ज्यादा स्नीजिंग होती ना कंट्रोल नहीं होता आंखों में से पानी आने लगता है स्प्लीन इज द ग्रे वर्ड ऑफ आरबीसी ओके ग्रेट आपको बहुत नॉलेज है आमिर राइट right? उस नॉलेज को बरकरार रखो और और ज्यादा स्टडी करो है ना ओके तो फिर आप कभी पीछे नहीं हटोगे और बस मैंने जो बेसिक चीज़ें बताई कि पढ़ना कैसे अगर उस तरीके से पढ़ोगे बस खत्म खत्म मतलब ख़त्म नहीं आपको थ्री सिक्सटी आउट ऑफ थ्री सिक्सटी लाए ना आए ना तो यार क्या बोलो आप आएंगे ज़रूर आएंगे बस सही तरीके से स्टडी करो सही तरीके से स्टडी करो ओके राइट देखो आरबीसी मरने के बाद आरबीसी का लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद वो ना स्प्लीन मतलब स्प्लीन मेजर है फिर लीवर है ना फिर बोन मैरो वहाँ पे जाके उनको क्या होता है पता है है ना उनका ब्रेकडाउन हो जाता है उनका ब्रेकडाउन हो जाता है राइट आर बी सी का लीवर में फिर स्प्लीन में है ना है ना उनका ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे आर बी सी का ब्रेकडाउन हो जाता है राइट अब हम मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो हमारा बाइल जूस होता है जो हमारा फीसेस होती है वो येलो क्यों होते हैं right? राइट वो बताना चाहता हूं मैं ठीक है अब जो ये जो ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन होने के बाद राइट right? ब्रेकडाउन होने के बाद जो हमारा मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब क्या जो हीमोग्लोबिन की चेन है जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है ना वो ब्रेकडाउन होता है अब हीमोग्लोबिन में जो पॉरफॉरइन रिंग होती है आप जाने दो ठीक है सीधे सीधे बताऊंगा मैं सिर्फ की, ये हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन एक्चुअली आरबीसी का ब्रेकडाउन मतलब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ओके okay, तो हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होता है है ना तो उससे ना पिगमेंट्स निकलते ब्रेकडाउन होने के बाद पिगमेंट्स कौन से पिगमेंट्स यस आमिर मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछते पूछते देखो आमिर मैं क्या करता हूं जो पढ़ा रहा हूं ना जो पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ वो पढ़ा ना तो उस टॉप उस पॉइंट में से या उस पर्टिकुलर पॉइंट में या उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं है ना कितने टाइप के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे में आप लोगों को पूछता हूँ आप लोगों को बताता भी हूँ और आप लोगों से पूछता भी हूँ राइट तो इसके वजह से क्या होता है कि रिकॉल होता है और फिर वो होता है ना आप लोग नॉर्मली रीड करते हो भाई रीड करते हो रीड करने से कुछ नहीं होता है मैं हमेशा कहता हूँ उसको ना ऐसे याद रखो याद रखा करो है ना लॉजिक खुद से बातें करना सीखो खुद को खुद से पढ़ाना सीखो खुद से बातें करके ऐसे खुद को समझाओ जैसे मैं आप लोगों को वैसे पढ़ा रहा हूं वैसे आप लोग भी खुद को पढ़ाओ है ना वैसे राइट अगर ऐसा करोगे तो कभी गलत नहीं होगा कोई भी आंसर कभी नहीं होगा अगर कोई आंसर आता भी ना हो ना तभी आप लॉजिक लगाने के लिए इतने मतलब इतना ज्यादा आपकी एबिलिटी बढ़ेगी ना आप लॉजिक भी लगा पाओगे आसानी से राइट कल जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था वो टू का क्वेश्चन था राइट right? वो लॉजिकल क्वेश्चन था अगर नहीं भी आता तो डायरेक्टली तो लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते थे उसे राइट right? तो ब्रेकडाउन होने के बाद हमोलोमिन का ब्रेकडाउन होता है है ना मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो कुछ पिगमेंट्स वहाँ से निकलते हैं न बिली रूबिन है ना मतलब बाइल पिगमेंट बिली रूबिन बिली रुबिन ओके बाइल पिगमेंट अब जो पिगमेंट्स है उसके वजह से उसके अभी ये कलर वगैरह पिगमेंट्स के बारे में मैं नहीं बताऊँगा उसकी वजह से हमारे जो फिकल मैटर है ना उसका येलो कलर आता है येलोइश कलर आता है येलोइ ब्राउन राइट उसकी वजह से राइट तो यहां पे जॉन्डिस में होता क्या एक्चुअली जॉन्डिस में होता क्या है जॉन्डिस में ये होता है कि जो हमारा लीवर है ऑब्वियसली लीवर है लीवर को अफेक्ट हो जाता है, है ना लीवर इज लीवर मोस्ट अफेक्टेड होता है जॉन्डिस में सबसे ज्यादा ओके okay, लीवर इज अफेक्टेड ठीक है दूसरी बात यह कि हमने जैसे इसने बोला राजेंद्र बोला कि स्कीन आई, सब सबके सब येलो हो जाते हैं क्यों क्योंकि जो बाइल पिगमेंट्स है ना बाइल पिगमेंट्स उनका जो सिक्रीशन है या उनका जो डिपोजिशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बस डेट इट यही याद रखो इसके ऊपर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है राइट स्किन एंड आइस टर्न येलो टर्न्स येलो ओके क्यों? क्योंकि जो हमारे बाइल पिगमेंट्स हैं उनका डिपोजिशन बहुत बढ़ जाता है राइट right? खत्म। अगला अगला देखते हैं वो मीटिंग, अगला देखते हैं यार वो मीटिंग राइट right? अगला देखते वो वोमिटिंग राइट right. अब देखो वोमिटिंग मतलब क्या हम जो वोमिट करते वोमिट करते हैं ना खाया हुआ सब कुछ बाहर निकाल देते राइट right? तो एक्चुअली इट इज द इजेक्शन इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स जो स्टमक में होता है ना वो बाहर निकल जाता है राइट right? अब क्या होता है अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ ओके okay, एक क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे दिमाग में है? अगर सोचो है ना सोचो सोच कर बताना अगर आ, हमारा पायलोरिक स्पिंक्टर या इलियोसिकल वॉल्व है ना राइट मैं अभी बताता हूँ आपको फॉर एग्जाम्पल जो इलियोसिकल वॉल फिर पायलोरिक है ना फिर पायलिक स्पिटर फिर क्या है रहे? गैस्ट्रो इसोफेजियल, स्पिंक्टर ये ये कुछ स्पिंक्टर्स है ये कुछ बॉल्स है कुछ स्पिंक्टर्स है अगर वो ना होते तो क्या होता अगर वो ना होते तो क्या होता जस्ट टेल मी यसूल स्टूल एग्जामिनेशन से होता है जॉन्डिस का एग्जामिनेशन यस डायग्नोसिस होता है ओके okay. चलो बोलो राइट right. बोलो ये सब वॉल्स या स्पिंटर अगर ये ना होते है कुछ है ना बहुत सारे रहते हैं अलग अलग जगहों पर बट मैंने कुछ जो बेसिक से वो बताया ये ना होते तो क्या होता बट ठीक है स्पेसिफिकली पूछता हूँ अगर अगर इलियोसिकल वॉल नहीं होती तो क्या होता स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ ठीक है ये कॉमन बोला है अपने बैक क्लो नहीं होता ओके ऑल द वॉल्स प्रिवेंट ब्लैक होल ओके फाइन राइट तो अगर स्पेसिफिकली ये बताओ मुझे इलियोसिकल वॉल नहीं होती तो क्या होता है ना बैक फ्लो नहीं होता तो कहाँ से कहाँ ब्लैक फ्लो बैक फ्लो नहीं होता बताओ जल्दी से कम चलो बोलो ओके ग्रेट ग्रेट अमीर ओके पायलर स्पिटर ये नहीं होता तो क्या होता आमिर क्या बोल रहे हो आमिर <laughs> पहला वाला सही था ना कि दूसरा वाला सही है कंफर्म करके बताओ कि क्या सही है बैक फ्लो प्रिवेंट करना है हमें एलियम किस चीज इलियम किस चीज का पार्ट है स्मॉल इंडस्टन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है और सीकम क्या है लार्ज इंडस्टन का सबसे स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पार्ट है और छोटा सा पार्ट है है ना इलियोस इलियोसिकल वाल्व है राइट मतलब जो हमारा एलियम है वो ओपन होता है सिकम में है ना तो सिकम में जो गया है इलियम से वो पीछे ना जाए राइट right? तो सिकम से इलियम पहला वाला सही है ठीक है अब पायलट मतलब क्या ड्यूडेनम स्टमक में राइट राइट अब जो फेजर है वो बताओ वो बताओ। जो है, वो बताओ जो है, वो बताओ जो है कंफ्यूज नहीं हो गया अरे नहीं वही तो कहता हूं मैं यही तो सिले मिस्टेक्स है आपको आता है आता है आपको राइट बट गलत कर दिया अगर यही टिक कर दोगे तो हो गया ना कौन तुम किस को एक्सक्यूज़ दे पाओगे कि नहीं सर मुझे कंफ्यूज हो गया था सर प्लीज़ उसको करेक्ट कर, कर दीजिएगा सर प्लीज़ वो मुझे आता है सर अब ऐसा नहीं बोल सकते ना गलत तो गलत है ना इस पर ना कोई एक्सक्यूज़ हो कंसिडर हो सकता है ना कुछ भी कंसिडर हो सकता है वही तो वही तो मिस्टेक्स कहता हूँ मैं हमेशा ये तो छोटी चुट छोटी मिस्टेक्स होती है तो कभी भी तुम पढ़ रहे हो ना तो एक ही बार में टॉपिक को परफेक्ट करना है तो करना है भले उसको अगर तुम तुम्हारे पांच घंटे जा रहे हो तो भले उसको दस घंटे दे दो एक चैप्टर को बट वो एक ही बार में परफेक्ट हो जाना चाहिए उसको अगर तुम नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना तो ऐसा ना लगे कि ये चैप्टर फिर से मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं ऐसा ना लगे क्वेश्चन सॉल्व करो देखो अप्रोच कैसे होना चाहिए सबसे पहला स्टेप ये है कि खुद को पढ़ाओ खुद को समझाओ वो चैप्टर है ना खुद को समझाओ ऐसे शांत मन से मन में मन मन के अंदर ऐसे पढ़ना नहीं है रीड नहीं करना है रीड नहीं करना है पढ़ो खुद को समझाओ दूसरी स्टेप ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम सी क्यू सॉल्व करो है ना मतलब क्या है कि खुद से क्वेश्चनिंग करते रहो अगर अगर ये अब मैंने कौन से क्वेश्चन पूछा अगर ये नहीं होता तो क्या होता अगर ये है तो क्यों है है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चनिंग करो छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चन करते ना वैसे क्वेश्चनिंग करो खुद से क्वेश्चनिंग करो खुद से खुद से ऐसे खुद से बातें करना सीखो खुद से मन में या खुद से जोर जोर से भी बातें करो या खुद से ऐसे जल्दी जल्दी बातें करो कैसे भी करो पर बातें करो खुद से क्वेश्चनिंग करना सीखो समझ आ रहा है खुद से क्वेश्चनिंग करना सीखो खुद से जब क्वेश्चनिंग करना सीखोगे तो सिलिमिस्टिक्स नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं आपके दिमाग में एकदम से सॉर्टेड रहेगा सब कुछ सॉर्टेड एकदम क्लियर सॉर्टेड रहेगा समझ आ रहा है समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है बोलो यस और नो चलो बोलो यस और नो समझ आ रहा है कि नहीं यस यस राजेंद्र ग्रेट ओके तो हम देख रहे हैं अभी वो मीटिंग है ना हम देख रहे हैं अभी वो मीटिंग इस सर स्टडी विथ मी टाइमिंग कविता स्टडी विथ मी कहाँ पे स्टडी विथ मी सेशंस लेने हैं क्या बोलो स्टडी स्टडीविथी सेशंस लेने हैं बोलो वो मीटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन मेर लॉबल्टा ओके चलो बोलो मुझे बोलो सही है आपका Uh, जी सर आप आप ले रहे हो ना हाँ बट मैं कभी कभी लेता हूँ मतलब वो अन के जो ऐप है ना उसमें स्टडीज में सेशन लेता हूँ बट वो एक मैंने एक्सपेरिमेंटल बेस पे लिया था एक दो बार अब उसको अगर चाहिए आपको उसको वो चाहिए ही तो फिर ठीक है उसके ऊपर मैं पोल डालता हूँ टेलीग्राम ऐप में मैं पोल डालता हूँ ठीक है मैं ना अभी पोल डाल देता हूँ वो जो टेलीग्राम चैनल है ना हमारा इस नेटर मेंटर्स का ठीक है सर यूट्यूब पे लो न प्लीज़ आप शायद मेरे चैनल पे मतलब तब थे वो शायद ऐसा लग रहा है मुझे तब से जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मेरा ओके ठीक है डोंट वरी हम करते कुछ है ना स्टडी मी सेशन का कुछ ना कुछ तो करते हैं डोंट वरी डोंट वरी कविता राइट डोंट वरी है ना कुछ ना कुछ तो करते हैं अभी तो मैं घर जा रहा हूँ शायद दो तीन दिन बाद दिवाली दिवाली है ना सो आई हैव टू गो क्योंकि मैं अराउंड इट्स बिन अराउंड कि इट्स बिन अराउंड टू और नीत इट्स बिन अराउंड फोर मंथ्स तब से मैं घर नहीं गया हूँ सो आई हैव टू गो मुझे जाना ही होगा कुछ भी हो जाए ये नहीं आओ हाँ। क्योंकि यार बहुत परेशान हूँ मैं यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए <laughs> खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है दोस्त भी नहीं है सबके सब घर सब चले गए बस मैं इस पढ़ाने की वजह से लेक्चर की वजह से यहाँ रुका रुकाऊँ जो तो मैं भी चला जाता जान तो अभी क्या है <laughs> याम महाराष्ट्र से हूँ मैं महाराष्ट्रीय ना मैं आप ना चाना स्टार्ट किया था तब से वो आपका ओ थैंक्स कविता थैंक्स सर मुझे भी आपकी तरह नीट क्वालिफाई कर के पढ़ना है ओ आमिर ठीक है ना तो आपको मैंने बोला है कि इस मैंने जैसे बोला है कि खुद को पढ़ाना सीखो खुद से बातें करना सीखो खुद को पढ़ाओ अगर वैसा करोगे तो आप आगे जाके कुछ भी कर सकते हो कुछ भी पढ़ाना है तो पढ़ा सकते हो एम बी बी एस तो आपको मिलेगा ही उसके साथ साथ आप पढ़ा भी सकते हो कुछ भी कर सकते हो कहीं पे भी आप स्टेज डेयरिंग कर सकते हो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो क्योंकि अगर किसी को कुछ बताना है ना उससे पहले खुद को बताना आना चाहिए खुद को समझाना ना चाहिए खुद के दिल को दिमाग को समझाना ना चाहिए उसके बाद ही आप दूसरों को समझा सकते हो अकॉर्डिंग टू मी ये मुझे लगता है राइट सही है कि नहीं बोलो सर आप ब्लॉगिंग बहुत अच्छे करते हैं। <laughs> अरे हाँ बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले बहुत सारे बहुत सारे मेरे मेडिकल कॉलेज जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ मेरा हॉस्टल मेरी रूम टूर मेरा हॉस्टल टूर अभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ पता है बहुत अच्छे से बहुत आ मतलब आप सोच भी नहीं सकते मतलब मेरा कैंपस मेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी में क्या क्या होता है लाइब्रेरी में कौन कैसे पढ़ता है ये सब चीज़ें बहुत सही से बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बहुत प्यार से है ना बहुत बहुत अच्छे से ठीक है डोंट वरी अब काम भी लग रहा हूँ मैं है ना फिर देखते हैं चलो और हाँ यस मैं महाराष्ट्र ना मैं महाराष्ट्रीय ने भवन्न सर आप यूट्यूब चैनल नेम हम बताए ना प्लीज़ मुझे भी ब्लॉग देखना है आपके हाँ यूट्यूब चैनल क्या है कि ये रेस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ रूल्स है कि यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल नहीं शेयर कर सकता हूँ मेरे इस पर ये ये जो लेक्चर है पूरा पूरा मतलब कुछ काम का नहीं रहेगा फिर पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता है ना मेरा नाम मैंने बोला था मेरा नाम है शंकर ताइडे बस मैं एक थर्ड ईयर एम बी स्टूडेंट हूँ मैं यही बता सकता हूँ इस पर आप समझ जाओ है ना इस पर आप समझ जाओ <laughs> मेरा नाम है शंकर तायड़े मेरा नाम है शंकर तायड़े मैं थर्ड ईयर एम बी स्टूडेंट हूँ है ना अगर मेरा नाम सर्च करोगे आप कुछ मेरे बारे में सब कुछ मिल जाएगा ओके और हाँ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ये इंपॉर्टेंट है अब इसी चीज़ चलते हैं बता रहा हूँ ये नीट मेंटर्स जो चलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर लाया मेरे सभी चीज़ों के अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको लेक्चर्स के अपडेट मिल जाएंगे सबके सब ओके तो हम क्या पढ़ा रहे थे 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 यार ये ना पेज कहाँ जाते हैं कहाँ घूम जाते हैं समझ नहीं आता कभी कभी समझ नहीं आता समझ नहीं आता वो मीटिंग चल रही थी हमारी वो ओमिट हम ओमिट कर रहे थे है न मी पर नाशिक कराए हैं तुम्हें कोजमे है सर अरे मी लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज नागपुर ल सर आपके यूट्यूब चैनल से नेम बताइए ना प्लीज मुझे व्यवस्था मैंने बोला ना अभी सर आप ब्लॉगिंग बहुत अच्छी करते थैंक्स सर सब्सक्राइब के लिए मैं भेट चैनल ओके थैंक्स ओके <laughs> <थैंक्स। laughs> okay, तो हाँ तो एक काम करते हैं ना यार ये मैं मेडिकल कॉलेज के किससे बताऊँगा अभी बट उससे पहले हमें चैप्टर को एंड करना है वो मीटिंग के बाद में दो तीन दो तीन डिसऑर्डर है उसके बाद में चैप्टर खत्म जो पे में मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो करने के बाद सब खत्म कुछ एनर्जेटिक चीज़ें बताऊंगा मैं आपको उससे आपको भी हेल्प होगी है ना आपके भी प्रॉपर एक बुश मिलता रहेगा कंटिन्यूसली और मैं लेक्चर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता रहता हूँ जो भी मेरे साथ होती है डे टू डे मेरे में अगर मैं किसी पोस्टिंग में चला गया हॉस्टल हॉस्पिटल में चला गया तब क्या होता है हम क्या करते हैं हम हॉस्पिटल में पोस्टिंग कैसे करते हैं पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं मतलब जो भी हो है ना क्या क्या होता है हमारे साथ ये सब चीज़ें एक बार ख़त्म कर लेते हैं ये थोड़ा ही रहेगा हमारा वोमिटिंग उसके बाद डायरिया है फिर इनडाइजेशन है ख़त्म उसके बाद पेम है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और फिर होने के बाद थोड़ा सा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं उसके बाद चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद रीड कर लेते हैं और चैप्टर को राम राम बोलते हैं ठीक है okay? चलो। 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 देखो, वो का मतलब क्या है इट इज द इजेक्शन ऑफ कंटेंट्स इट इज द इजेक्शन ऑफ कंटेंट्स थ्रू माउथ जो माउथ से बाहर आता है ना अचानक से अचानक से रिफ्लेक्स बस खत्म वही है ठीक है अब जो रिफ्लेक्स एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन वो कौन कंट्रोल करता है है ना उसका कंट्रोल सेंटर कहाँ पर मेडोलॉग ब्लंगाटा याद रखो ये सिर्फ स्ट्रिक्टली पॉइंट टू पॉइंट याद रखो हम अच्छे से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ओके सिर्फ यहाँ पे याद रखो यस बायो करवाना है मुझे किंगडम नाने करवाना है मार्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट जो एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक है वो बहुत अच्छे से करवाना है और जेनेटिक्स बहुत अच्छे से लेना है मुझे जेनेटिक्स बहुत प्यार से लेना है ओके राइट right. अब देखो जो नोजिया की फीलिंग है मतलब ऐसा लगता है हमें कि अभी अभी उल्टी होगी या मतलब ऐसे मतलब ऐसे हमें अभी वोमिटिंग होगी या जो भी ऐसा लगता है हमें फील होता है वो वो फीलिंग होती है ना वो नॉजिया की फीलिंग होती है उसके बाद अचानक से वोमिट हो जाती है राइट फीलिंग ऑफ नोजिया रिस वोमिटिंग राइट क्या तक समझ आए ओके देखते अब डायरिया देखते हैं प्यारे से हमारे डायरिया को देखते हैं हम डायरिया <laughs> कई लोगों को बहुत डायरिया होता रहता है यार कंटिन्यूसली डायरे की स्पेलिंग अच्छे से लिखना डायरे के डायरे का मतलब ये मत मतलब लिखना सिर्फ ओ ए बीच में एक्चुअली मैं गलत कर देता था बहुत बार इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को है ना ऐसा नहीं है कि मैं गलती करता आप भी गलती कर रहे होगे राइट राइट अब डायरिया मतलब क्या है है ना द एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉयल मोमेंट्स अब बॉइल मोमेंट मतलब क्या आप जो पॉटी करने जाते हो ना उसकी फ्रीक्वेंसी बस दैट्स इट <laughs> कितनी बार करते हो है ना वही सर उल्टी से पहले आ, को माउथ एक्टिक uh, क्या एक्टिक होना लगता है वो क्यों होता है मतलब एक्टिक मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है बताओ अच्छे से टाइप करो फिर से मैं एक बार देख लेता बाउल मतलब बाउल मोमेंट्स मतलब जो हम बार बार जाते हैं ना मतलब जो मो मतलब वो जो प्रोसेस है पूरा डिफिकेशन का डिपिशन का तक जो प्रोसेस मतलब जो है मतलब से एनस से जो बाहर आया बार बार हम एक स्पेसिफिक टाइम पे जाते हैं नॉर्मली है ना बॉल मूवमेंट्स हमारे स्पेसिफिकली एक टाइम टू टाइम होता है बट अगर 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 वो एबनॉर्मल हो रहा है एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी एबनॉर्मली हो रहा है सब कुछ बहुत बार हो रहा है कंटिन्यूसली हो रहा है बॉल मूवमेंट्स है ना तो राइट right? तो उसे हम क्या बोलते हैं डायरिया है ना अगर उसमें अगर उसमें और और क्या क्या होता है लिक्विडिटी बढ़ती है है ना लिक्विडिटी बढ़ती है सब कुछ हो रहा है अगर बार बार आप बार बार आप पॉटी करने जा रहे हो बार 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 आप बार बार आप बाथरूम में जा रहे हो है ना राइट right? ये बार बार हो रहा है बहुत बार मतलब कंटिन्यूसली ये बॉल मूवमेंट्स इरेगुलर फ्रिक्वेंटली है है ना उसकी फ्रिक बहुत बढ़ चुकी है तो उससे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको पता है डायरिया मतलब क्या ओके okay. बट इसका जो एम पॉइंट ये है कि उससे क्या होगा उसके उसका इफेक्ट किस चीज़ पर होगा उसका इफेक्ट किस चीज पे होगा एप्स पे एप्स ऑफ फूड यहां पे रिड्यूस हो जाता है राइट इट रिड्यूसेस यहां पे क्वेश्चन गए बट यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इट रिड्यूसेस एप्स ऑफ फूड राइट इट रिड्यूसेस एप्स ऑफ फूड ठीक है एप्स ऑफ फूड रिड्यूस हो जाता है याद रखो इस चीज को ठीक है ये एम्स के पॉइंट है अगर डायरिया है बार मतलब खा लिया निकल खा लिया निकाल दिया खा लिया निकाल दिया है ना खा लिया निकल गया है ना बट बीच में का जो है वो कहां पे चला गया वो हो नहीं रहा है ना हम बोलते हैं हम बोलते हैं है यहां माइक्रो माइक्रोविलाय होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय के ऊपर है ना वो फिर ये सब चीज है और फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अगर उसको स्ट्रेट करें तो इतना बड़ा होता है इतना बड़ा लॉन्ग पैसेस है वो सब किस चीज के लिए बताओ मुझे मुझे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को जो माइक्रो माइक्रोविलाय होते हैं माइक्रो माइक्रोविलाय राइट और फिर एक माइक्रो माइक्रोविलाय हम दूसरा क्वेश्चन मतलब ये दोनों मिलके है ना और फिर जो लॉन्ग इतना बड़ा लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन है है ना है ना लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन है ये दोनों चीजों का मीनिंग क्या है वो किस चीज के लिए माइक्रो माइक्रोविलाय है तो किस चीज के लिए और ये जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है वो किस चीज के लिए बोलो बोलो जल्दी से बोलो बोलो जल्दी से बोलो उसके ऊपर मुझे आगे क्वेश्चन पूछना बोलो बोलो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर है एब्सॉप्शन के लिए होता है ओके ग्रेट एप्सॉप्स के लिए मतलब क्या एग्जैक्ट क्या एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि पैसेज प्रोवाइड होता है एक टाइम मिलता है एक टाइम पीरियड मिलता है अगर वो लॉन्ग है या माइक्रोफिला है है ना एक पैसेज मिलता है एबसॉप्शन के लिए एक टाइम पीरियड मिलता है टाइम पैसेज मिलता है एब्सॉप्शन के लिए है ना मतलब थोड़ी देर के लिए वो वहाँ से रहे मतलब जाएगा है ना मतलब टाइम लगेगा उसको एंड तक पहुँचने में है ना तब तक वो एपसअप हो जाएगा टाइम मिलेगा ऐपसअप होने में राइट अगर ये है राइट अगर इसका मीनिंग ये है तो मुझे बताओ कंटिन्यूसली बाउल मूवमेंट हो रही है है ना कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली बाउल मूवमेंट हो रही है राइट तो ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है उसकी फ्रीवेंट फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो खाने के बाद सीधा चला जाएगा इतने फास्ट चला जा रहा है उसको वो रुक ही नहीं रहा है बीच में है ना मतलब उसकी स्पीड बढ़ गया है आगे जाने का तो फिर मतलब लिक्विडिटी बढ़ने के बाद होता है ना फिर एबसॉर्प्शन एब्सॉप्शन के लिए टाइम कहा मिल रहा है यार है ना फूड के जो ग्लूकोज हो हमने जो डाइजेस्टेड हमारे प्रोडक्ट से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किए गए जो फूड पार्टिकल्स है वो कन्वर्ट वो एब्सॉर्प होने के लिए टाइम कहा मिल रहा है सो so, डायरिया डायरिया रिड्यूसेस एब्सॉप्शन ऑफ फूड ये कमसी को पॉइंट है दैट्स इट ठीक है इसमें से एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बस बाकी कुछ नहीं यही और यही एक ट्रिकी भी क्वेश्चन हो सकता है राइट right? यहाँ तक समझ आया आगे जाते अब क्या क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस दिड्यूसेप्शन ऑफ फूड ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे हाँ राइट ये सब पूछेंगे राइट कविता ने क्या कहा था यार मुझे समझ नहीं आ रहा एक्टिक यार एक्टिक का मीनिंग क्या है ये मैं फर्स्ट टाइम वर्ड पूछ रहा हूँ कविता सच में मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये वर्ड एक्टिक उल्टी से पहले हुँ. पहले को माउथ एक्टिक होना मुझे समझ नहीं आ रहा ठीक है एक बार कविता स्पेसिफिकली मुझे बताओ ठीक है आई विल गेट बैक टू यू ओके डायरिया इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोप्शन ऑफ फूड वाह ऐसा दिमाग हो जाना चाहिए मतलब ऐसे ही ऐसे ही खुद से बातें करो खुद से खुद के लॉजिक बनाओ है ना खुद से ऐसे अगर जब तुम खुद से ऐसे बातें करना सीखोगे ना तब ऐसे चीज़ें मैं भी ऐसे करता था मैं भी मैं भी यूनिवर्सली डायरेक्ट डायरी ऐसे कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी लगा देता था पता है राइट right? अगर फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं कैसे करता था uh, यार ऐसे फॉर एग्जांपल यार uh, चैप्टर खत्म होने के बाद हाँ चैप्टर खत्म होने के बाद या कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं या फॉर एग्जांपल मैं ट्रिप्सिन तक आ गया वो ट्रिप्सिन में वहाँ तक आ गया मैं वहाँ तक पूछता था यार ट्रिपसिनोजन तो इनएक्टिव है है ना, ना इनएक्टिव है right? राइट इंडक्सिन उसको एक्टिवेट कौन करता है जो इंटेस्टाइनल जूस में से एंटरओ एंटरोकाइनेज वो एक्टिवेट करता है फिर वो एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट उठ जाता है फिर जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता था वो क्या करता है फिर बाकी के जो पैंक्रेटिक जो एंजाइम्स है सभी सभी इनएक्टिव होते हैं ना उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है राइट ये है बट यार और एक था ऊपर और ऊपर हमने पढ़ा था जो स्टमक में कि जो पेप्सिनोजन है वो भी इनएक्टिव है पर वो एक्टिव कैसे होता है उसको कौन एक्टिवेट करता है अरे यार उसको तो जो पे... स्टमक है स्टमक में क्या होगा यार एस सी एल है यस सी एल का काम तो वही है हाँ पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट यस सी एल करता है, है ना राइट फिर और एक और एक और एक यार है और एक चीज़ है अगर बाइल जूस ही ना हो तो लाइपेज काम ही नहीं करेगा अगर लाइपेज एंजाइम को काम करना है तो बाइल जूस काम बाइल जूस का होना जरूरी है ऐसे मतलब जो रिलेटेड रिलेटेड चीजें हैं उसको मैं ऐसे ऐसे सॉर्ट आउट सॉर्टेड कर देता दिमाग में है ना सॉर्टेड एकदम से मतलब क्या कि अगर गलती कभी ना हो? है ना फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे रेनिन है स्टमक में कौन सा कौन सा एंजाम सर है पेप्सिन जन मतलब पेप्सिन है फिर रेनिन है आरी डबल यानायन याना, आरी डबल यानायन याना� आरी एनायन नहीं आर्यनायन एक हार्मोन है जो कि किडनी सीग्रेट करती है है ना वो जो ब्लड प्रेशर मिलने का वो जान दो ठीक है आरी डबल एनायन है मतलब वो एंजाइम है वो भी प्रोटोल्ट एंजाइम है बट वो इन फंड्स में मतलब जो मिल प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए है ना वो गया फिर स्मॉल अमाउंट में लाइप भी प्रेजेंट होता है इतने होते खत्म ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे लॉजिकली मैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं ये बोलना चाहता हूँ खुद से बातें करना सीखो राइट खुद से बातें करना सीखो राइट खुद से बातें करना सीखो क्या समझ आ रही है ना बात या नहीं आ रही है समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ओके खुद से बातें करना सीखना है हमें खुद से बातें करना सीखोगे तो लाइफ में आप खुद सोच पाओगे किसी को समझा पाओगे या सबसे पहले तो खुद की जो एग्ज़ाम है वो आसानी से आपकी सॉल्व हो जाएगी यस राजेंद्र हाँ जी ओके कॉन्स्टिपेशन राइट कॉन्स्टिपेशन अब हम उसके अगेंस्ट एंटोगस्टिक कह सकते हैं या उसके अपोजिट कह सकते हैं द फिशेस आर रिटेन विद इन द कोलॉन राइट एज द बाउल मूवमेंट्स ऑफर इरेगुलरली डायरिया में क्या होता था बाउल मूवमेंट्स फ्रिक्वेंटली होते थे कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली हो जाते थे उसकी जो आ, मतलब वो बार बार हो रहे थे बहुत बार हो रहे थे बार बार बहुत बार है ना कंटिन्यूसली और कॉन्स्टिपेशन में ऐसा होता है कि इरेगुलरली होता है जो बॉबल है ना वो इरेगुलर हो जा इेगुलर हो जाते है ना मतलब उसकी मतलब वो होता ही नहीं नॉर्मली राइट right? ऐसा होता है राइट right? तो यही है कि उसका अपोजिट कॉन्स्टिपेशन ख़त्म मतलब कोलोन में कोलोन में जो हमारे इंडाइजेस्टिड फूड है या इनडाइजेस्टेड an फूड है उसे बोलते हैं ना वो कोलन में अटक जाते हैं कोलन में रह जाते हैं बीच बीच में फॉर्म में है ना तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं ना यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ तक आई होप आपको पता है यार समझ गया हो गया आप ओके रेगुलरी डायरिया एंड इरेगुलर कॉन्स्टिपेशन यस आमिर ग्रेट ग्रेट हो रहे हो तुम लोग मुझे भी संपर्क आ रहे हो तुम लोग ग्राइट ग्राइट ओके अब लास्ट वाला जो एबनॉर्मल कंडीशन है या कुछ डिसीज बोल सकते जो भी हो है ना डिसऑर्डर बोल सकते हो इन डाइजेशन अब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइज सिस्टम ऐसा पूछ सकते हैं या विच ऑफ विच इज नॉट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू डाइजेशन है ना विच इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डाइजेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा कुछ आ सकता है और फिर कोई एक बाहर का डिसीज दिया होगा है ना ये ये, बाकी के तीन इसमें से हो गए ऐसा ऐसा आता है नॉर्मली ओके याद रखो ठीक है इन डाइजेशन डाइजेशन मतलब क्या इन डाइजेशन मतलब क्या इन डाइजेशन क्यों होता है प्रॉपरली पता है क्या तुम रात रात भर जागते हो मोबाइल लेके ऐसे बैठते हो है ना मतलब प्रॉपर से एक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम और पूरे बॉडी को मतलब डाइजेस्ट सिस्टम में भी जो एलिमेटी है उसमें भी मसल्स है है ना मतलब पूरे बॉडी को रेस्ट नहीं मिलती है है ना नहीं तो कंटिन्यूसली आप खाते हो एक तो एक तो एक तो पूरी रात जागते हो मतलब आप रिलैक्स मतलब बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो दूसरी बात यह है कि आप दूसरे वे से भी रेस्ट नहीं देते हो कंटिन्यूसली खाते रहते हो कंटिन्यूसली खाते रहते हो है ना तभी भी इंडाइजेशन होता है इंडाइजेशन मतलब क्या इंडाइजेशन मतलब क्या राइट इट इज़ द कंडीशन ऑफ फूड इट इज़ द मतलब इन दिस कंडीशन इन दिस कंडीशन फूड मतलब राइट फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड राइट फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होता नहीं आप फूड को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम ही नहीं देते हो एक तो बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो है ना नहीं तो क्या कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो कंटिन्यूअस्ली राइट right? मतलब इन दिस कंडीशन फूड इज़ नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड अगर प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसी का मीनिंग होता है इन डाइजेसन खत्म राइट मतलब क्या होता है अब देखो मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल मी राइट अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ अगर मुझे लेक्चर है पाँच मिनट पहले कभी कभी क्या होता है दोपहर को या रात को अगर लेक्चर से पहले मैं अगर खाना खाने जाऊँ तो पाँच दस मिनट मिनट रहते हैं लेक्चर के लिए ओके okay. तो क्या होता है मैं फास्ट फास्ट कुछ खाने की कोशिश करता हूँ मुझे लेक्चर है फ़ास्ट फास्ट खाता हूँ फास्ट फास्ट खाता हूँ फास्ट फास्ट खाता हूँ है ना तो उससे क्या होता है कि वो अच्छे से मैं चबाने रहा हूँ डाल रहा हो डालो डाल रहा हूँ उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि यार नहीं यस हो गया अभी फुलफिल हो गया हो गया अब वो होता नहीं वैसे वैसे राइट वैसे मतलब फूड अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है है ना फूड अगर फूड अगर प्रॉपर वो उसके अलग अलग वेज है सीधे बोल रहा हूँ फूड अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं बस हो गया अभी पेट भर गया मेरा नॉर्मली बस हो गया अभी खाना या ऐसे बोल सकते हैं कि अब फुल फिलनेस सीधे सीधे ओके ऐसा होता है तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि नहीं डाइजेशन है ना फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खत्म ज़्यादा उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं ओके ठीक है अब इंडाइजेशन के आ, कुछ कॉजेस बोल सकते हैं हम इसे कि, कि स्किन किन चीज़ों की वजह से होता है है ना आप सोते नहीं हो या कुछ स्पाइसी स्पाइसी ज़्यादा खाते हो मसालेदार मसालेदार खाना ज़्यादा खाते हो है ना? आ, जो हम जंक फूड होते हैं हो, वो ज़्यादा खाते हैं हेल्दी कुछ खाते नहीं हम हेल्दी हमारी लाइफ नहीं है है ना हम अच्छे से सोते नहीं हैं जब हमारी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है है ना ये सब चीजें ये सब चीजों वजह से होता है इन डाइजेशन राइट राइट लाइक क्या बोल सकते हो कि एंगजाइटी ये सब चीजें जो आ, जो लाइक डाइजेस्टिव ग्लैंड से उनका सिक्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है है ना उसके क्योंकि डाइजेशन 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 मतलब क्या मैकेनिकल कम बायोकेमिकल ज्यादा मैकेनिकल मतलब सिर्फ मैस्टिकेट कर रहा है फूड को स्मॉलर पार्टिकल में बट एक्चुअली जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है हमारे सभी एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड से आ रहे डाइजेस्टिव जूस से आ रहे पैंक्रेटिक जूस बाइल जूस सलाइवा इंटेस्टाइनल जूस उससे आ रहे वही सबसे बड़ा काम करता है सबसे मेजर काम वही है उन्हीं का है है ना अगर एंजाइम्स प्रॉपरली नहीं हो रहे तो इंडाइजेशन होना ही होना है है ना डाइजेशन कहाँ हो रहा है फूड का डाइजेशन कहा हो रहा है वो भी एक कंडीशन है है ना एंग्जटी होती है कभी कभी है ना ये सब चीज है ठीक है यार इसको लिखना पड़ेगा इंडाइजेशन को मतलब उसके काजेस कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं बोलो कॉजेज लाइक इन एडिक्वेट इन एडिकुएट सिक्वेशन इन एडोकेट एनजो सिक्रेशन दूसरी बात यह कि वा एंग्जाइटी है ना फूड पॉइजनिंग फिर क्या ओवर ईटिंग बहुत खा लेते <laughs> बोले <बलो बला। laughs> फिर क्या स्पाइसी फूड राइट ठीक है बाइल डज नाट कंटेंट एनियम हाँ है ना राइट बाइल डज नॉट कंटेन एन इजम यस ये मैंने बार बार बोला है ये तो है बट ऐसा नहीं है कि बाइल डाइजेशन में बाइल जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है ऐसा नहीं है बाइल डाइजेशन में हेल्प करता है इनडायरेक्टली कहाँ करता है बताओ इनडायरेक्टली हेल्प करता है कहाँ करता है पता बाइल जूस ही नहीं तो कोई एंजाइम एक एंजाइम वो काम ही नहीं करेगा है ना वो काम ही नहीं करेगा बोलो बाइल बाइल में एंजाइम्स नहीं है ये पता है दूसरी बात ठीक है दूसरी बात बाइल जूस एंजाइम्स नहीं मतलब इस एंजाइम्स नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है इनडायरेक्टली है ना कौन सा ऐसा इंजाम है जो बाइल के जूस की वजह से ही एक्टिवेट होता है हो काम करता है एक्चुअली चलो बोलो कौन सा एंजाइम है बोलो लाइपेस यस वैष्णवी वैष्णवी कहा थी तुम कहा थी तुम इतना टाइम तक कहाँ थी तुम यार मुझे ऊपर देखना पड़ रहा है बार बार क्योंकि मेरा नाक मेरा नोज रनी नोस रनी नोज चलो इस पे ये कह हैं कि हम यहाँ पे कि ये खत्म हो चुका है डिसऑर्डर्स अब लास्ट वाला जो पार्ट बचा है वो डिसऑर्डर्स ही बोल सकते हैं हम उसे है ना पर वो लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर्स हैं है, है न राइट right. हमें देखना अभी पेम प्रोटीन एनर्जी एक सॉरी कहाँ चले गए यार थोड़ा सा लैग हुआ तो चले गए ओके चलो ओके पेम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब क्या प्रोटीन और एनर्जी रिलेटेड एनर्जी और प्रोटीन बस वो नहीं मिलना अच्छे से वो नहीं मिलना मतलब माल न्यूट्रिशन है ना मतलब प्रॉपर तरीके से वो नहीं मिल रहा है हमारे फूड में से नहीं मिल रहा है जो भी हो वो अगर हमारे बॉडी को नहीं मिल रहा है प्रोटीन नहीं मिल रहा है है ना अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी टिश्यू ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि प्रोटीन क्या है प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है है ना जो बेसिक यूनिट है वो क्या एसिड राइट अगर वो अमोनाइसिड एसिड है क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स है ना मतलब क्या अगर अमन एसिड अमन एसिड है अमन एसिड है तब भी तो सभी चीज़ें जो भी स्ट्रक्चर बन रहे नए स्ट्रक्चर बन रहे है ना हमारी ग्रोथ हो रही है इनडायरेक्टली कहे तो जो भी हो रहा है उसी से हो रहा है अगर वो नहीं है प्रॉपर अगर कहे तो अगर बचपन में हमें हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी सही से ग्रोथ नहीं होगी कोई स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बनेगा बॉडी का है ना वो नहीं होगा फिर हम हमें कह सकते कि अगर एनर्जी नहीं मिल रही तो एनर्जी नहीं मिल रही तो कुछ नहीं होगा ख़त्म राइट right, तो वही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ना राइट right? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ओके okay? वापस आ गए सब को? बोलो कौन कौन है अभी नाम बताओ मुझे कौन -कौने? कौन है कौन कौन है नाम बताओ चलो नाम बताओ कौन कौन है वी टैक कैमराज यार मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ यार तुम्हारा आमिर <laughs> मी ओके okay. चलो मालो यार चैप्टर को एंड कर देते हैं बस हो गया अभी चलो ये प्रोटीन है जो माल न्यूट्रिशन पहले कुछ ना कुछ तो बोलता हूँ मैं क्योंकि यार बोलने का इच्छा हो रही है मेरी क्योंकि मैं बहुत अकेला पड़ गया यहाँ पे सच बोलो तो इतना अकेला पड़ गया मैं हॉस्टल में क्योंकि हॉस्टल में सबके सब घर चले गए अभी सब के सब घर चले कोई नहीं रहा मेरे बैच का तो कोई नहीं रहा है अभी बस यहाँ पे इंटर्न्स है जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं ना वही है बस बाकी सब के सब घर है सभी बैचेस घर पे सब के <laughs> मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं पाँच बजे हमारे मेस में चाय चाय मिलती है तो मैं चाय पीने जाता हूँ है ना नीचे मेरे हॉस्टल में ही मेस है सबसे ग्राउंड फ्लोर पे तो चाय पीते पीते मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा हॉस्टल के बाहर जो मेन गेट है ना वहाँ पे थोड़ा जाके कर वहाँ पर रोड है पार्किंग है गाड़ियाँ वगैरह लगते हैं स्टूडेंट्स के हमारे तो वहाँ पे पार्क करते हैं वहाँ पे रोड है ना वहाँ पे मैं खड़े होकर चाह पीता हूँ कभी कभी तो हमारे इसमें हॉस्टल मतलब हमारे हॉस्टल कैसे पूरा ऐसे जंगल टाइप में है मतलब सब कॉलेज के सबसे एंड में है तो पूरा पुर, आगे ग्राउंड से इस साइड इस साइड और पीछे साइड है ना तो पूरे बहुत बड़े पेड़ से पीछे तो जंगल है बहुत बड़ा ऐसा है ऐसा सीन है राइट तो तो बात ऐसी कि क्या होता है वहाँ पे मैं खड़े रहता हूँ तो खड़े रहता हूँ तो चाय पीते पीते बिस्किट मतलब वहाँ पे सात नहीं टोटल आठ है एक बड़ी कुतिया है मतलब बड़ी फीमेल डॉग है है ना फीमेल डॉग है और उसके सात बच्चे और उनकी एज है एक महीना एक महीना हुआ होगा हाँ एक एक महीने से देख रहा हूँ मैं उनको एक महीना हुआ होगा है ना उसके सात बच्चे तो उनके साथ साथ खेलता हो कभी कभी उनसे बातें करता हो बस कोई नहीं यार अरे पे बातें करने के लिए कोई नहीं रहा है बस मैं रुका हूँ सिर्फ़ ये लेक्चर्स के लिए लेक्चर लेने के लिए ये तो क्या करूँ ये चैप्टर तो खत्म कर रहा था आगे के भी चैप्टर स्टार्ट करने है अभी ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टार्ट में करना है रात के सेशन में नौ बजे हाँ तो, तो उनसे बातें करता हूँ कभी कभी उनको खिलाता हूँ बिस्किट बस उतना ही अच्छे लगते हैं अच्छा टाइम्स मतलब रहा कुछ नहीं है अभी और मेरे कॉलेज भी ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा कभी नहीं अभी लेक्चर्स नहीं है हमारे और फिर जो पोस्टिंग है मेरी पोस्टिंग लगी, लगी है पोस्टिंग लगी है ई में ई एन टी पता है ना ई एन टी पता है ना ई एन टी में मेरी पोस्टिंग लगी है अभी जस्ट मेरी ऑफ टाइम की पोस्टिंग हो चुकी है और फिर उसकी पोस्टिंग भी हो गई है अराउंड ई एन टी मतलब फोर्टी फाइव डेज़ की पोस्टिंग होती है फोर्टी फाइव डेज़ की थर्टी डेज़ फोर्टी फाइव डेज़ है ना ऐसी लगती है पोस्टिंग हॉस्पिटल में तो क्या होता है वो हॉस्पिटल में जाके अभी मेरी ई एन टी में लगी है पोस्टिंग और फिर मेरे ई एन टी में लगी है तो ई एन टी में मैं मतलब मेरे बारे मतलब कोई नहीं बचा यार यहाँ पे कौन करेगा फिर पोस्टिंग तो ऐसा ही होता है मेडिकल कॉलेज में करो ना करो बस करना है तो खुद करना है पास होना है तो खुद से पढ़ाई करो लेक्चर में तुम जा मतलब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा है मोटिवेट नहीं होना ठीक है मैं इतना कह रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा होता है सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाई हो या कोई भी हो अब जो भी करना है खुद करना पड़ता है इंडिपेंडेंटली मैं अभी से कह रहा हूँ कि अभी भी आप इंडिपेंडेंट रहो किसी टीचर के ऊपर ब्लाइंडली ब्लाइंडली ऐसे ट्रस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट रखो बट डिपेंडेंट मत रहो कंटिन्यूसली पूरा का पूरा जो भी करना है खुद से करना है खुद से पढ़ना है खुद के लिए पढ़ना है खुद के एग्जाम के लिए पढ़ना है और ख़ुद से पढ़ना है खुद को खुद से खुद को पढ़ाना है है ना ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं हम नॉर्मली लेक्चर में अगर जाए भी हैं ना तो डेढ़ सौ डेढ़ सौ स्टूडेंट्स रहते हैं एक बैच में है ना फिर डेढ़ सौ के ऊपर रहते हैं नौकरी है ना जो फेल हुए होते हैं वो बैच में आ जाते हैं ना इसकी वजह से तो नॉनवेल ऐसा होता है तो आ, तो वो बड़े बड़े आपने थ्री डेट्स देखी होगी ना आपको क्लासरूम पता है क्या एक काम करता हूँ मैं ना मैं क्लासरूम के ऊपर हमारे क्लास कैसे होते हैं सब स्टूडेंट्स कैसे होते हैं ऐसे लेक्चर्स के या जो भी है थोड़े थोड़े वीडियोस ये सब चीज़ें है ना ये भी यार आइडिया अच्छी है आइडिया अच्छी में दिख लेता हूँ आइडिया मेरी ये।, ये लिख लेता हूँ एक सेकेंड नहीं तो मैं फिर भूल जाऊँगा यार मेरी नोटबुक का है एक सेकेंड यस yes, मुन्ना भाई जैसा मुन्ना भाई जैसा यस yes, मुन्ना भाई जैसा होता है मुन्ना भाई जैसा एक्जेक्टली सेम राइट ऐसा होता है तो नॉर्मली क्या होता है वही चीज़ है ना नॉर्मली यही होता है या नॉर्मली यही चीज़ होती है हमारी कि वह मैं क्या बोल रहा था तो ये होता है कि नॉर्मली कुछ पढ़ते नहीं है मतलब कुछ ना कुछ तो अलग चल रहा है कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में बैठे होते हैं है ना फिर ऐसे कईयों का अलग चल रहा होता है कई कई कहीं अलग अलग ग्रुप्स में बैठे होते हैं अपनी अपनी जगह पे कंफर्ट जोन के हिसाब से बैठे होते हैं सामने मैम या प्रोफेसर कोई भी हो मैम या मेल टीचर फीमेल टीचर जो भी हो प्रोफेसर आगे पढ़ाते हैं अपने अपने हिसाब से है ना उनको पता होता है कि इनको पढ़ने की कोई मतलब इच्छा ही नहीं है वो पढ़ाते पढ़ा के चले जाते हैं अब मैं जेन्यून चीज बता रहा हूं ठीक है अब पढ़ना है तो खुद से पढ़ना अगर एग्जाम आ रही तो पढ़ लेते रात रात भर पढ़ लेते हम खुद से ओके तब हम मतलब ऐसे अलग ही चीज अलग ही सीन होता है राइट तो राइट अलग ही सीन होता है तो अपने हिसाब से अपना अपना करना पड़ता है है ना तो अगर एम में आ रहे हो तो ये डिसाइड करके आना कि जो भी करना है लाइफ के लिए खुद से खुद के लिए करना है है ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार एम में आ रहे हो तो आप आपको सब पढ़ाएंगे ही ऐसा नहीं है खुद के रास्ते खुद को ढूंढने पड़ेंगे पढ़ना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना है सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है या सब नॉलेज के लिए कंटिन्यूसली पढ़ना है या जो भी हो पी के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है अभी से स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट ईयर से ऐसा है है ना तो आप आपको पता चलेगा आगे आके क्या होने वाला है आपके साथ बस मैं मेरी मेरी बातें बता रहा हूँ है ना ये ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ ऐसे ही हो मैं सिर्फ मेरी चीज़ें बता रहा हूँ मेरी चीज़ें है ना क्या है कि इसका बैड इम्पैक्ट भी पड़ सकता है बैड मैसेज भी आ सकता है तो बैड एज अ बैड मैसेज या एज अ अगेटिव मैसेज मत लेना इस चीज़ को है ना ये सब तरफ ऐसा ही होता है नॉर्मली बट मैं सिर्फ मेरे बारे में बताऊंगा ओके इसको ये मत कहना कि सभी इसमें ऐसा ही होता है ओके तो ऐसा नॉर्मली होता है बस अब पूछो आपको क्या क्या जानना है मेरे से क्या जानना है पूछो क्या जानना है यू कैन यू कैन आस्क मी एनी थिंग है ना बोलो अभी मेरी एंटी की पोस्टिंग है अब जान ही रहे कोई बोलो यू कैन आस्क मी एनी थिंग सर आपका कितना स्कोर था नीट में कि आप ड्रॉपर हो हाँ अब जो मेरी स्टोरी है थोड़ी अलग है जो मेरे चैनल पे पहले से उनको पता है है ना मतलब मैं ड्रॉपर तो हुई है ना मतलब क्या था मैं स्टोरी बताते थोड़ी सी छोटी सी छुट्टू सी छुटकुसी स्टोरी है है ना छुटकुसी स्टोरी है सर पोस्टिंग और हाँ आपके आप ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मली क्या होता है पोस्टिंग है ना पोस्टिंग होते हैं कि हम जाते हैं होती है आठ बजे सुबह सुबह अब मेरी कॉलेज की बताता मैं कई के कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट होता है ठीक है कई के कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट होता है है ना तो मेरे कॉलेज में आठ बजे तो मैं आठ बजे होती है पोस्टिंग बट हम जाते हैं साढ़े नौ बजे या दस बजे है ना दस बजे ऐसे पोस्टिंग को जाते हैं और फिर जाने के बाद ना नॉर्मली जब तक प्रेजेंट ही नहीं लेते ना तब तक जब तक वो प्रेजेंट ही नहीं लेते वो जे आर मतलब जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मतलब जो पी करने वाले होते हैं ना उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब प्रेजेंट ही लेंगे हमारे स्टूडेंट्स की अगर वो जब तक प्रेजेंट ही नहीं लेते हैं तब तक हम टाइम पास करते हैं या अगर कोई कोई जे हो या कोई मतलब जो डॉक्टर है बड़े अगर वो पेशेंट को समझा रहे अगर वो कोई पेशेंट ट्रीट कर रहे पोस्टिंग मतलब क्या हॉस्पिटल में है ना अगर वो कोई पेशेंट ट्रीट कर रहे तो हमें हमें खुद उनको बोलना सर ये क्या है वो क्या है है ना अगर कोई पेशेंट चल रहे है ना कोई पेशेंट ट्रीट कर रहे है ना तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता है खुद से कि वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछने पड़ते है? या कोई कोई सर ऐसे होते बहुत अच्छे होते, होते वो बहुत अच्छे होते हैं वो खुद क्या करते खुद हमें ले जाते ये देखो ये पेशेंट ऐसा है है ना कैसे ट्रीट करना है खुद हमें क्वेश्चन करते क्वेश्चनिंग करते ऐसे भी होते कई लोग मतलब पोस्टिंग मतलब क्या कि सीखना पड़ता है खुद से या कई लोग खुद से भी पढ़ाते है, है ना ऐसे होते नहीं अभी का पैटर्न ऐसा हुआ है इंडिया में महाराष्ट्र में नॉर्मली या इंडिया में पूरा है कि फर्स्ट ईयर से ही पोस्टिंग है थोड़ी थोड़ी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है ये टू बैच से स्टार्ट हुआ है टू की नीट है ना तब उनके बैच से स्टार्ट पैटर्न चेंज हुआ है एम का है ना हमारे हमारे बैच मतलब मेरे लास्ट बैच है मैं टू का हूँ मैं अभी थर्ड ईयर में गया हूँ जस्ट थर्ड ईयर मैंने सेकंड ईयर अभी पास किया ओके तो अब तक हम तक क्या होता था कि फर्स्ट ईयर एक साल का सेकंड ईयर डेढ़ साल का फिर थर्ड ईयर एक साल का फाइनल ईयर एक साल का ऐसा ऐसे रहते थे बट अभी उनका महीनों महीनों में डिवाइड हो चुका है सब्जेक्ट यहाँ हुआ घूम गए पर अलग हुआ उनका सीन ऐसा तो ये था राइट ये सीन है तो सर फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ कैडेवर के साथ शेयर कीजिए अरे फर्स्ट एक्सपीरियंस अब ये ये किस्सा ना बताना चाहिए मैं स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग का सोच रहा था यार स्टोरी टेलिंग होता है ना मैं लिखी लेता हूँ एक बार फिर से आप लोग ना आइडिया देते यार मुझे बहुत अच्छे से क्यों आपके लिए बनाऊंगा मैं स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग मैं अभी तो बताऊंगा ही ठीक डोंट वरी बहुत अच्छे से प्यार से बताऊंगा स्टोरी टेलिंग ओके okay, हाँ तो मैं क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि कैडे वर्ग के फसाद फर्स्ट एक्सपीरियंस जब हाँ फर्स्ट हमारे मतलब आ, मुझे आज भी याद हाँ। है कि तीन सितंबर को हमारी कॉलेज स्टार्ट होता तीन सितंबर को टू एटीन थ्री सितंबर टू थाउजेंड एटीन को हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था ओके तीन सितंबर टू थाउजेंड एटीन को हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तीन सितंबर टू थाउजेंड एटीन को मेरा कॉलेज था पहला डे फर्स्ट डे फर्स्ट डे में फर्स्ट uh, डे में डीन्स एड्रेस होता है डीन्स एड्रेस अब डीन एड्रेस मतलब ये नहीं कि डीन्स उसका एड्रेस अब वो नहीं है मतलब डीन एड्रेस करता है डीन मैसेज देता है एक मैसेज देता है मैसेज मतलब समझाता है ऐसे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए उनको आपने देखा होगा ना वो थ्री डेट्स देखा है क्या थ्री डेट्स जब वो जब वो क्या रे वो उसका नाम क्या होता है जान दो क्यों वो जो सर होते हैं ना जो डीन होते हैं उनके कॉलेज के प्रिंसिपल होते वो वो सबको बोलते हैं ना सबको एक मैसेज देते उसे बोलते डींस एड्रेस है ना सब चीज़ें बोलते हैं सब चीज़ें लाइक हमारा कॉलेज ऐसा हमारा कॉलेज ये नहीं होता है वो नहीं होता है एकेडमिक गयर ऐसा होता है, है वैसा होता है डीन्स एड्रेस वो हुआ बहुत अच्छा लगा बहुत मतलब बहुत सही लगा हमारे रोल नंबर्स उसी दिन मिले हमें उसी दिन उसी सेशन में हमारे रोल नंबर्स हमें मिले फर्स्ट टाइम हमने ऐसा क्लास देखा था फर्स्ट टाइम कैसा क्लास देखा था ऐसे पूरे गोल गोल राउंड राउंड वाले आपने मुन्ना भाई हम देखा है ना वैसा सेम है ना वैसे हम वैसे बैठे थे मतलब अलग ही फील हो रहा था अब फिर वो एक फीलिंग थी फिर uh, क्या हुआ था कि लाइक like, uh, फिर हमारे रोल नंबर्स हमें दिखे वो ग्रीन आ गए उन्होंने क्या क्या बोला फिर अलग अलग प्रोफेसरों ने मैडम ने मैम ने कुछ ना कुछ तो फिर एंटी रैगिंग का कुछ स्किट uh, वग़ैरह हुआ जो हमारे सीनियर्स थे वो आए थे उन्होंने कुछ तो भी स्किट मतलब एक ड्रामा टाइप रखा था कि यहाँ पे रैगिंग एक्चुअली होती कैसी है और फिर वो होने के बाद सब ने कहा कि रैगिंग यहाँ पर इस तरह से रैगिंग होती है और फिर ये हमारे इसमें नहीं होता हमारे कॉलेज में ऐसे है ना फिर ये हुआ फिर और हमारे रोल नंबर डिस्प्ले हुए डिस्प्ले पे कि आपके रोल नंबर से है, है ना फिर <laughs> वो हुआ वो अलग सीन था फिर उसी दिन उसी दिन हमें वो होने के बाद वो प्रेस होने के बाद उसी दिन हमें क्या किया कि हमें लेके गए अलग अलग डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में अभी क्या होता था फर्स्ट ईयर में अभी भी है फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी तीन सब्जेक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री राइट ये तीन सब्जेक्ट हमें पहले लेके गए अभी मुझे हँसते हंसी आती है पता है हमें पहले लेके गए एनाटॉमी में एनाटॉमी में एन डिपार्टमेंट में हाँ एन डिपार्टमेंट में, में फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम लेके गए ओके अब ले गए हम लोग ओके गए नॉर्मली ये डिपार्टमेंट है ओके okay, ये डिपार्टमेंट है सब कुछ है है ना जाए फिर ऐसे अलग 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 क्या बोलते हैं उसको क्लासेस के ये होते हैं क्लासेस क्लासेज क्या होता है बोन मतलब एनाटोमी डिपार्टमेंट में सब कुछ होता है कैडेवर हो या मतलब डिसेक्शन का अलग एक हॉल होता है फिर बोन बोन के अलग अलग क्लासेस होते हैं मतलब अगर क्लासेस लेने हैं तो दो तीन क्लास छोटे चुण छोटे ग्रुप ग्रुप करके अलग अलग लेक्चर्स होते हैं ऐसे डिवाइड होते हैं है ना तो बोन्स के अलग अलग क्लास वो देखे हमने कि यहाँ पे बोन्स मतलब बोन्स की क्लास हो गए ये सब चीज़ें है ना अलग अलग बोन्स पढ़ाए जाएंगे सिखाई जाएंगे ये सब चीज़ें बैठ के बहुत पास में बैठ के ऐसे पढ़ाते मतलब कैसा होता है क्या ऐसे लाइक ऐसे नॉर्मल सा कोई ये क्लास है ऐसे तुम्हें बैठना है आगे और फिर यहाँ पर टीचर खड़े रहकर या बैठ के जो भी वो पढ़ाएंगे ऐसा नहीं होता है ऐसे टीचर के आसपास हम बैठते हैं सभी क्रॉस करके फिर टीचर पढ़ाते हैं हमें ऐसा ऐसा होता है एकदम कैजुअल टाइप कैजुअल टाइप होता है सब कुछ ऐसा ऐसा कुछ सच कुछ इतना ऐसा ये नहीं होता है ना फिर वो देखा फिर हम गए लास्ट में वो जो होता है ना डिसेक्शन हॉल उसमें गए वहाँ पे रखे थे भाई वो पूरे ढके थे हाँ ढके थे मतलब वहाँ पे ढके थे बट ओपन नहीं थे है ना वहाँ पे पूरे के पूरे ढके थे देखो मेरी बैच है डेढ़ डेढ़ सौ स्टूडेंट्स की है नन फिफ्टी स्टूडेंट्स की राइट तो हमारे इसमें हमारे इसमें जो फिफ्टीन फिफ्टीन स्टूडेंट्स को एक एक बॉडी मिली थी है ना फिफ्टीन फिफ्टीन को राइट right? तो दस दस कैडेवर थे उस टाइम अभी शायद ज़्यादा बढ़ गए आई डोंट नो बट ये दो साल तीन साल की बात है ना तीन साल पहले की ढाई साल की पहली, पहली बात है ओके okay? तो दस कैडेवर थे दस कैडेवर ऐसे रखे थे है ना कैडेवर क्यों बोलते वो भी बताता हूँ मैं ठीक है उस डेड बॉडी को कैडेवर क्यों बोलते हैं कैडेवर एक नाम है जो हम डेड बॉडी को बोलते हैं वो मैं बताता हूँ ठीक है बट उससे पहले मैं सीन बताता हूँ वैसे रह थे हमने एंटर किया हमने ऐसे एंटर किया उस हॉल में हम बहुत फॉर्म फॉर्म में थे हाँ मतलब वो से एनर्जी में थे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी में थे मतलब क्या कि रीन सेंटर सुभा रोल नंबर मिले ऐसे हॉल था है ना लड़किया लड़के सब कुछ ऐसे मतलब ऐसे कॉलेज का माहौल था बहुत एनर्जी एम में लगे है ना बहुत फॉर्म में थे बहुत एनर्जी में थे है ना बट जब हम उस तरफ गए जब हॉल में एंटर किया भाई मतलब मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ बताए मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ मतलब वो अलग ही लाइक like, चक्कर आने जैसा मतलब ऐसे मतलब चक्कर आए नहीं मैं गिरा तो नहीं बट कई लोग गिरे थे लाइक like, लड़कियाँ वगैरह ये सब चीज़ें कई लड़के भी गिरे थे बट वो अलग ही सीन था यार मेरे साथ मतलब मुझे अलग ही फील हुआ ऐसे चक्कर आने जैसा है ना अलग ही मतलब मेरा ऐसा घूम रहा था मैंने देखा ही नहीं मैंने मैंने देखा ही नहीं मेरा जैसे ही नज़र पड़ी ना इसके एक पैर बाहर निकला था और फिर वो डेड बॉडी पर पूरी ऐसे पूरी गली हुई थी भाई मैंने देखा ही नहीं मैंने सिर्फ मेरे से पहले नज़र की दस ऐसे रखे ढके हुए रखे थे फिर मेरा ऐसे गया और देखा ऐसे नज़र मारी फिर वैसे ही वैसे ही आँख आँख बंद करके ऐसे ही दो चार पाउल आगे गया मतलब दो चार स्टेप आगे गए फिर बाहर आ गया भाई मुझे तो नहीं जमा असर मुझे जमा ही नहीं वो मुझे मतलब वो फिर हुआ ही नहीं अब क्या बोलो वो फीलिंग अलग थी मतलब दूसरी बात वो हुआ कैसे पता है क्या वो डेड बॉडी की वजह से डर नहीं लगा मुझे डर ऐसा चीज़ नहीं एक्चुअली वो फॉर्मेलिन होता है ना फॉर्मेलिन उसकी वजह से हुआ मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में फॉर्मेलिन को सूँगा था मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में फॉर्मेलिन को सुना था सूँगा था एक्चुअली सूँघा सु, था भाई वो फॉर्मेलिन इतना गंदा होता है ना यार <laughs> और हमारे मतलब आगे जब जग, आगे चार पाँच क्लास के बाद वो नॉर्मल हो गया क्योंकि वो आदत हो गई फॉर्मेलिन की बट हमारे तभी तो भी हम ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके थे जब हम टीचर के हम डाइसेक्शन करते थे ना हम देखते थे तो ऐसे करके हम ऐसे या मुंह को कुछ तो भी कहीं कहीं तो लोग क्या करते थे पता है वो सीन ही अलग थे यार कई कहीं लोग क्या करते थे हमारे बैच में के मेरे मेरे डी, -डी टेबल के डी मतलब डिसक्शन टेबल के अलग अलग ग्रुप होते हैं ना वो क्या करते थे पता है अलग अलग टाइप के परफ्यूम लेके आते थे अप्रोन के वो बड़े खिस्से में रखते थे है ना मतलब सर इधर उधर देख रहे तो पीछे जाके ऐसे मारने का ऐसे मारने का और फिर ऐसे हाथ रख के ऐसे 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 हाथों रख के डिस्कशन देखना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ओबे भाई इतनी मतलब इतनी क्या बोलो अभी बहुत ज़्यादा और फिर हमारे टीचर क्या करते पता है ग्लोव भी नहीं पहनते थे फिर ऐसे डिस्कशन करते थे या मतलब उनको तो यार मतलब उनकी तो मतलब क्या पता उनका नाक खराब था या पूरा ब्रेन खराब हुआ था आई डोंट नो बट उनको कुछ होता ही नहीं था बट हमें बहुत बहुत यार बहुत परेशानी होती थी उस टाइम फिर वहाँ धीरे धीरे आदत लगने लगी फिर फॉर्मेलिन वगैरह कुछ नहीं लगने लगा था फिर हम तो क्या यार डिस्कशन करते करते बाद में तो कोई टीचर वगैरह ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे हमें खुद ऐसे बुक्स ले ख़ुद ही करना पड़ता था बुक्स लेके बाद बाद में फिर धीरे धीरे ऐसे खुद ही डिस्कशन करना पड़ता था क्या है कि वो सब चीज़ें लाइक हम हर्ट लेके हर्ट लेके हर्ट, ले हर्ट निकाल के ऐसे उसके साथ मतलब पढ़ते पढ़ते खेलते थे जो भी हो ऐसी चीज़ें है ना तो ये बहुत यार बहुत सीन अलग थे यार मतलब क्या यार बहुत इससे ना अच्छे से एक नरेट करके ना एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत प्यार से ये सीन को मैंने लिख लिया अभी टॉपिक को एक स्टोरी टेलिंग वाला वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छा वाला उसमें थोड़ थोड़े थोड़े फ़ोटोज भी जो भी मेरे पास होंगे वो भी दिखाऊंगा मैं है ना जो भी हो थोड़े थोड़े राइट तो यार देखते हैं अभी ये सब वीडियो बनाना मुझे ऐसा लगता है कि यार सही होगा मतलब अच्छा होगा है ना राइट तो ये वीडियो बनाऊंगा यार बोले मैंने लिखा तो है अभी टॉपिक को वो ज़्यादा काम तो करना पड़ेगा अभी बहुत काम करेंगे मज़ा आता है यार ये सब चीज़ें पुरानी चीज़ें अगर हम जब रिकॉल करते हैं ना किसी को बताते हैं या हाँ, जो आप लोगों को एम बी में आना है तो आप लोगों को बताना है तो अलग ही अलग ही लगता है है ना फिर वो कैडेवर का मीनिंग मैंने बोला ना कैडेवर की बोलते हैं एक्चुअली क्या होता है कैडेवर मतलब क्या कैडेवर है ना एक्चुअली कैडेवर का मीनिंग क्या बताए कैडेवर का मीनिंग क्या होता है पता है कैडेवर एक्चुअली कैडेवर मतलब डेड बॉडी है ना एक्चुअली एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है कैडेवर मतलब एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है है ना मतलब एक रिस्पेक्ट दी जाती है उस इंसान को जिसने उसकी डेड बॉडी डोनेट की है मेडिकल कॉलेज में हम जैसे स्टूडेंट्स को सीखने के लिए इसके लिए उसकी रिस्पेक्ट की जाती है इसलिए हम उसे डेड बॉडी नहीं बोलते इसलिए हम उसे बोलते हैं कैडेवर समझ आया समझ आया तो इसके बाद कभी भी डेड बॉडी मत बोलना कैडेवर बोलना एक वर्ड यूज करना है अब आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो है ना फ्यूचर डॉक्टर्स हो तो कैडेवर बोलना कैडेवर ओके okay? कभी भी डेड बॉडी नहीं बोलनी है हाँ नॉर्मल डेड बॉडी को डेड बॉडी बोल सकते बट जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए होती है हम जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए होती है है ना यार वो इंसान खुद की बॉडी डोनेट कर रहा है और फिर हम सब उसको एक एक मसल एक एक नर्व या जो भी हो एक एक आर्टरी वेन्स सब देख रहे हैं बोन्स देख रहे हैं सभी बोन्स के अटैचमेंट देख रहे हैं खुद ऐसे निकाल निकाल के ऐसे है ना सब कुछ ऐसे स्टडी कर रहे हैं तो वो ये करने के लिए दे रहा है तो यार उसकी रिस्पेक्ट बनती हम उससे पढ़ रहे उससे सीख रहे तो उसकी रिस्पेक्ट करना बनता है हम राइट तो उसका रिस्पेक्ट करना ही होता है इसलिए कैडेवर बोलना सीखो डेड बॉडी मत बोलो इसके आगे से राइट तो बस हो गया अभी आगे की भी चीज़ें बताऊंगा है ना ये चैप्टर खत्म करना जरूरी है यार आप लोग आप लोग यार क्यों क्यों ऐसा कर दो है ना राइट चैप्टर खत्म कर दे और भी चीजें तो बताऊंगा मैं डोंट वरी ओके पेम प्रोटीन एनर्जी मॉड्यूलेशन प्रोटीन एनर्जी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रेशन ओके प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रेशन है ना मैंने प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रेशन बताया अभी क्या इसका मीनिंग क्या है राइट right? अब देखते आगे एक्चुअली है क्या एक्चुअली ये है क्या है ना ये है क्या और कहाँ होता है एक डिसऑर्डर है एक क्रिटिकल चीज़ हो सकती है एक लॉन्ग टर्म डिसीज़ है राइट right? एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जो कि हो रही है है ना मतलब अगर ये अगर पिछले कुछ सालों की या पिछले कुछ इसकी बात करें अगर अच्छे से प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है है ना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उसकी वजह से होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रेशन अब इसके अब इसके दो दो कंडीशंस है एक कौशी ऑर्कर और फिर एक मैरसमस अब इसको आप क्या प्रोनाउंस करते हो आपके ऊपर कर डिपेंड करता है इट्स ऑल अप टू यू है ना आप क्या क्या प्रोनाउंस करते हो बट मैं कहता कौशी ऑर्कर और मैरासमस में मैं इलेवन ट्वेल्थ से यही से करता हूँ उसको प्रोनाउंस ओके okay? अब जो आप करते हो बस तो समझ आना चाहिए है ना राइट right? अब हम क्या करेंगे उसको लाइन टू लाइन कर देंगे एन से हम लाइन टू लाइन पढ़ देंगे उसको एन सी से क्योंकि वो बेटर रहेगा वैसे भी एंड पार्ट है बस आपको कुछ चीज़ें वो एम पॉइंट ना वो याद रहना है ज़रूरी है अगर एम पॉइंट आपको याद है बस ख़त्म खत्म हो गया फिर वो टॉपिक ये क्या दिख रहा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन सबके पास अपडेटेड बुक्स हैं ना आई होप कि सबके पास अपडेटेड बुक्स होगी आई होप मैं ऐसा मानता हूँ मान के चलता हूँ कि आपके पास अपडेटेड बुक्स है राइट right? ऐसे मानता हूँ मैं राइट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ओके अब देखते हैं हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इस चीज़ को दिख रहा है ना सबको ओके डाइटरी डिफिशेंसीस डाइटरी डिफिशेंसीज ओके ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मेनी अनडेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ राइट एंड साउथ ईस्ट एशिया राइट साउथ अमेरिका वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया अफ्रीका ओके इस पर क्वेश्चन आ सकता है एक्चुअली क्या एक्चुअली डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा मैंने जैसे बेसिक चीज़ बता दी है ना वही है प्रोटीन एंड एनर्जी उसका डिफिशियंसी सर सर सीधे सीधे मतलब अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है हमें राइट बॉडी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है अब वो कहाँ पे होता है जो अनडेवलप कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज में भी होता है ओके okay. हम जैसे भारत या अनडेवलप डेवलपिंग कंट्री हम है ना कब तक डेवलपिंग है पता नहीं कितने मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है है ना कब कब डेवलप होगी पता नहीं वो वर्ल्ड कब लगेगा डेवलप पता नहीं ओके okay. जो अंडर डेवलप अनडेवलप कंट्रीज़ है है ना जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है लाइक like, uh, होते ना वो बांग्लादेश वगैरह ये सब चीज़ें है ना मतलब साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है छोटी छोटी कंट्रीज जो अंडर उसमें ये सब चीज़ें होती है है ना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ठीक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन उसे हम पेम बोलते हैं ओके राइट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मे अफेक्ट लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया अब इसका चीज इसका मीनिंग क्या है मैं इसलिए मैं लाइन लाइन पढ़ रहा हूँ इसके क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए अब देखो पेम में अफेक्ट लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट है ना पेम की वजह से क्या होता है इज लाइक ड्रॉट मतलब क्या ड्रॉट मतलब क्या बोलो ड्रॉट मतलब क्या यार दुष्का यार यार हिंदी में क्या बोलते हैं सूखा 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 हुआ सूखा बोल सकते हैं न यूज देट वर्ड सूखा ओके ड्रॉट ड्रॉट मतलब क्या कि यार सदे सदे की lack of lack of a long a long time period without rain ऐसे बोल सकते हैं ड्रॉट को मतलब पानी नहीं बहुत दिनों से बारिश ही नहीं हुई ओके बहुत टाइम से एक साल दो साल तीन साल से बारिश ही नहीं हो रही फिर फेमाइन मतलब क्या पता है लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग टाइम है ना मतलब अकाल अकाल पड़ा है खाने के लिए कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स होती है पता है फीमाइन इसका मीनिंग याद रखो यार लिख लो एनसी में लिख लो साइड में ड्रॉट का मीनिंग फीमाइन का मतलब पॉलिटिकल टर्मोल टर्मोलॉ मतलब ऑब्वियसली यार जो राजनीतिक चीज़ें होती है मतलब उनका उनका चल रहा होता है है ना उनके उनके झगड़े चल रहे होते हैं और फिर जो आम जनता है वही उसके उसकी शिकार हो जाती है फूड नहीं मिलता खाने के लिए नहीं मिलता पानी नहीं मिलता उनके वजह से है ना ये सब चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ें होती है प्रोटीन एनर्जी माल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये सब चीज़ें होती है ठीक है याद रखो अब देखो ये कहाँ होता है एक एग्जाम्पल आ सकता है ओके okay? याद रखो ये कहा हुआ था याद रखो ये कहा होता है ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अब ये पूछा जा सकता है ठीक है ना ऐसा नहीं पूछा जाएगा बट मैंने हमेशा से कहा है कि हम पढ़ा रहेंगे पढ़ा पढ़ा रहे हैं किस तरीके से पढ़ा रहे जैसे मैंने पढ़ा था जैसे मैंने पढ़ा था उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही आपको भी पढ़ना है वैसा ही आपको भी पढ़ना अगर वैसा पढ़ोगे तो ये बार बार रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाय को बोलते हो ना कि रीडिंग 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 ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट राइट तो पढ़ते पढ़ते खुद से बातें करना सीखनी है मैं बार बार बोलता हूँ बार बार आपको याद दिला हूँ राइट खुद से बातें करना सीखनी है खुद से बातें करनी सीखनी है खुद से बातें करना मतलब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपको वैसे ही खुद को पढ़ाना है खुद की लैंग्वेज में पढ़ाओ 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 खुद से बातें करना सीखो है ना खुद से क्वेश्चनिंग करो खुद की लैंग्वेज में अगर ये ऐसा है तो क्यों है है ना इसका पर्पज़ क्या है राइट right? ऐसे सिर्फ रीड नहीं करना है कभी खुद से बातें करना सीखो खुद के अलग अलग लैंग्वेज में उसे घुमा घिरा क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन क्वेश्चनिंग करना सीखो राइट right? खुद से एनालिसिस करो खुद से उसका क्या बोलते हो उसको सब कुछ खुद से उसका ऐसा निचोड़ डालो खुद से बातें कर करके तभी आप आपकी छोटी सी एक सिली मिस्टेक भी नहीं होगी पता है छोटी सी एक सिली मिस्टेक भी नहीं होगी इम्पॉसिबल नहीं होगी यार मैं बोल रहा हूँ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया यार वो भी कितने कम टाइम में अब इस पर ना उन लोगों का विश्वास नहीं बचता कई कि लोगों का पता है बैठता ही नहीं अब कई लोग हैं जो मैंने जब स्टार चैनल स्टार्ट किया था जब से मैंने मैं बोला टू पॉइंट वन स्ट्रेटेजी वगैरह डाल के मैंने कैसे के किया था है ना तब से जो लोग फॉलो किए थे ना अब ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ट्वेंटी ट्वेंटी वन के एग्जाम में भाई उनके स्कोर ना मतलब वो मुझे मैसेज करते पसंद नहीं कि सर आपकी वजह से अगर आप ना होते आग ने वो वीडियो नहीं डाला होता आपने कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बोली हुई थी तो आज हमें सर इतने मार्क्स नहीं आते हम ऑलमोस्ट पे थे सर मतलब सब बिखरा बिखरा था बट एक एक एक, एक ये फॉलो करके आए और आज इतने मार्क्स आए थे सर हमें है ना अब एक किस्सा बताता हूँ मतलब ये बताना नहीं चाहिए आई थिंक बट बट बताता हूँ यार है ना क्या है कि मैं एक दिन वो जो आपकी एक नीट की एग्जाम हुई थी ना ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाली उस दिन मैं ऐसे ही व्लॉग शूट करने गया था मतलब ऐसे शूट करने गया था ऐसे है ना ऐसे रिएक्शन लेने के लिए बोला कि तब से व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो गया मैं और फिर जाने के बाद मैंने सिर्फ मास्क निकाला तो सीधे पैर पड़ने लगी एक लड़की और बोले कि सर सिर्फ आग की तो वजह से सर सर ऐसे समझो इस बात को मतलब यार ये मैंने कह रहा हूँ कि मेरे वजह से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार बेसिक्स ही कुछ चीज़ें हैं आप दुनिया भर की स्ट्रैटेजी नहीं देखनी है दुनिया भर की जो चीज़ें होती है ना वो नहीं सोचनी है सिर्फ सोचते रहते हो आप लोग ये नहीं करना है सिंपल है बहुत आसान है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत आसान है मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत आसान है आसान क्यों है अगर आप उस छोटा सा भी टाइम हो ना अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना आसानी से यार ये सब कब हो जाता है जब आप खुद से बातें करना सीखोगे खुद से भले लोग पागल बोले वो जान दो बाहर में ठीक है भले वे लोग पागल बोले बस खुद से बातें करना सीखो खुद से क्वेश्चनिंग करना सीखो राइट right? वो करोगे तो आगे जाओगे नहीं तो जो चल रहा है अब तक वही चलता रहेगा अलग कुछ नहीं होगा राइट right? तो ये पढ़ रहे थे हम है ना लाइन टू लाइन पढ़ रहे थे ये चलो कर लेते कंप्लीट ठीक है ये कब, कब हुआ था दिस हैपन इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इथोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट राइट इन मिड एटीज याद रखो बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर की वजह से हुआ था और फिर जो ड्रॉट मतलब ड्रॉट हुआ था मतलब रेन नहीं थी चार पाँच साल से ऐसा कुछ इथोपिया में याद रखो ऐसा है है ना याद रखो इस चीज़ को यह या, याद ही रखना पड़ेगा आपको ओके अब तो इस टाइप के सीधे क्वेश्चन आएंगे इसमें से अलग कुछ नहीं होगा इसमें घुमा फिरा के कुछ नहीं आएगा जैसे मैं पूछता हूँ ना घुमा फिरा के हर बार वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा ओके पेम अफेक्ट्स इनफंट्स एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मैरासमस एंड कॉशवरकर अब देखो यही इंपॉर्टेंट है अब यही चीज़ हमें देखनी है ओके पता क्या हमें वही देखनी है अब देखो हम अब देखेंगे मैरसमर्स और कॉश्यू वर्कर जो आप प्रोनाउंस करते हो आपके इट्स ओनली इट्स टोटली अप टू यू ओके जो भी है ओके okay? मैरसमस मैं मैरसमस करता हूँ और ये आ, बोलता हूँ कि कॉश्यू वर्कर ओके अब मैरसमर डिसीज़ है क्या है ना ये होता क्या है एक्चुअली अब देखो ये जो भी है मैरसमर्स प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है जो छोटे छोटे इन्फंट्स इनफंट्स या छोटे छोटे चिल्ड्रंस हैं उनके ऊपर बस उनको अगर उनके टाइम में उसके ग्रोविंग एज में अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है एनर्जी नहीं मिल रही है ना प्रोटीन्स नहीं मिल रहे तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ कैसे होगी राइट नहीं होगी तो वही उनके लाइफ मतलब आगे की लाइफ उस पर डिपेंड है ना राइट अगर उनके ग्रोइंग एज में उनको अच्छे से डाइट नहीं मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो ये जो भी हमारे कर ये सब चिल्ड्रेंस एंड इन्फेंट्स में ऐसे बोल सकते हैं ओके अब देखो अब देखो मैरसमस है किस में कंफ्यूज में होता ना यहाँ पे मैं क्लियरली एक चीज बता रहा हूँ क्लियर ब्लैक चीज़ बता यही इंपॉर्टेंट है यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यही एम सी पॉइंट है वही बताऊंगा बाकी हम रीड कर लेंगे लाइन टू लाइन ओके मैं सिर्फ अभी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ओके ओके चलो ओके okay, यहाँ पे हम लिखते हैं ओके okay? राइट right? देखो अब ये मैरसमर्स है है ना मैरसमर्स इनपंस में होता है ये कंडीशन है एक्चुअली है इनपंस की राइट right? है ना और ये चिल्ड्रंस में अब चिल्ड्रंस और इनफ्रेंस में डिफरेंस क्या पता है सीधे से याद रखो कि जो अभी भी माँ का दूध पी रहे हैं माँ का दूध पीते हुए बच्चे है ना उसे हम इनफंस बोल सकते हैं और जिनका दूध पीना छूट गया है है ना सीधे सीधे लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जिनका दूध पीना छूट गया है वो सीधे सीधे चिल्ड्रन्स में कंसिडर हो सकते हैं ना इन से बात की जो कंडीशन है वो चिल्ड्रन्स याद रखो अब देखो मैरास्मस होता है इन में और कॉशोवर्कर होता है चिल्ड्रन्स में राइट मतलब सीधे सीधे अगर इसको एक साइंटिफिकली एक, एक, एक ड्यूरेशन बताए तो इनफंड्स मतलब क्या लेस देन वन ईयर लेस देन मतलब लेस देन वन ईयर एज एज कहे तो लेस देन है ईयर राइट अब ये क्या कि मोर देन वन ईयर इसकी एज क्या सकती है राइट मोर देन वन ईयर ओके याद रखो यही एक चीज है जो कि बेसिक्स है और दूसरी एक बेसिक चीज ये है है ना मतलब एमसीक्यू पॉइंट ये पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कंफ्यूज नहीं होना है फूजिया नहीं जाना है ओके okay. ये कि यहां पे मैरसमस में एक्चुअली दोनों भी प्रोटीन भी एंड कैलोरी मतलब एनर्जी भी एनसीआरटी से मतलब ये वर्ड टोल ले रहा हूँ मैं ठीक है, है? इसकी ऊपर से कैलोरी लिख रहा हूँ मतलब एनर्जी भी और प्रोटीन भी ठीक है और कौश में सिर्फ प्रोटीन राइट right? ओनली प्रोटीन याद रखो बस यही एम सी की पॉइंट है दोनों बस बाकी कुछ नहीं है याद रखो अगर कोई एक का भी आप पूरा याद रखोगे तो दूसरे उस का अपने आप याद आ जाएगा है ना कभी भी दोनों को साथ में याद रखना मत करो है ना उससे कन्फ्यूजन होता है क्या करो कोई भी एक का ज़्यादा से परफेक्ट याद रखो है ना हमारे समझ में सेन ओर वन ईयर ओके प्रोटीन का भी और प्रोटीन की डिफिशेंसी भी और कैलरी की डिफेंसी मतलब एनर्जी की एनर्जी की भी डिफिशियंसी याद रखो बस कॉशर का कॉशर का अपने आप याद आ जाएगा यार वो चिल्ड्रन्स में होता है मतलब मोर देन जो एक ईयर के एज ग्रुप मतलब जिनका दूध पीना छूट गया वहाँ से और फिर वगैरह वगैरह ठीक है और फिर वापस से प्रोटीन प्रोटीन की एफिशिएंसी बस दैट्स इट खत्म राइट अब एनसाइटी लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं एनसाइटी हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते अभी ठीक है मैरेज मैस व्हाट इज मैरेज मैस ओके मैरसम इज प्रोड्यूसड बाई अ साइमल्टेनियस डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन प्रोटीन्स एंड कैलरी मैंने बोला था ना अभी याद रखो ठीक है ओके okay, आगे जाने ठीक है इट इज़ फाउंड इन इनफंस लेस दैन वन ईयर ऑफ एज ठीक है मैंने अभी जो बोला था ओके इफ मदर मिल्क इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड्स विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलरी की वैल्यू दैट्स इट दैट्स इट यार राइट right? मतलब अगर उसका दूध पीने का टाइम है मतलब दूध पीने का जो एज है ना उसी टाइम अगर माँ का दूध छोड़ के उसे और कुछ पिला रहे और कुछ और और कुछ खिला रहे है ना तो ये तो गलत होगा ना यार उसको अच्छे से प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी है ना प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे तो फिर प्रोटीन तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो होना ही होना है है ना प्रॉपर तो तरीके से ग्रोथ होनी ही स्टार्टिंग उसके ग्रोइंग स्टार्ट एज में ही उसको अच्छे से प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं या उसको अच्छे से एनर्जी नहीं मिल रही तो उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होगी कि उसका जो अफेक्ट होगा पूरे लाइफ टाइम उसके ऊपर पड़े रहेगा राइट right? फिर क्या था दिस ऑफन हैपन्स इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी मतलब मतलब क्यों होता है कि कभी कभी मतलब ये क्यों होता है कि अगर अरे देखो ये रीजन इंपॉर्टेंट है ना ये रीजन ये ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ थेरी है ये रीजन इंपॉर्टेंट है इस पर ट्रिकी क्वेश्चन या ऐसा कुछ आ सकता है कि मारस क्यों होता है आ सकता है ऐसे कुछ चार पांच ऑप्शन देखें मतलब चार ऑप्शन होते हैं ना ऐसा कुछ आ सकता है ना अब देखो मतलब क्या कि मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी मतलब क्या है कि अगर एक प्रेगनेंसी होगी मतलब वो डिलीवरी होगी उसके बाद अचानक से तीन चार महीने बाद फिर एक मतलब वो फिर से प्रेग्नेट होगी फिर से कौन सी हो गया उसका बेबी है ना मतलब फिर से प्रेग्नेंसी होगी ओके तब क्या होता है तब ये होता है हार्मोनल हारमोल्बैल अब ये पूरा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है ओके okay. सीधे सीधे ओवरऑल देखो ऊपर ऊपर से ठीक है मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब सीधे सीधे कि जो आ, जो मिल्क सिक्रेट करने वाला मिल्क फॉर्मेशन वाली जो जो भी हार्मोन है वो कम हो जाते हैं फिर इम्बैलेंस हो जाता है मिल्क फॉर्म नहीं होता तो मिल्क जाने लगता है है ना राइट तो सीधे सीधे अगर कहूँ तो प्रोजेस्टोरॉन नहीं होता है है ना ये सब चीज़ें राइट तो ये सब चीज़ें होती है उसकी वजह से होता क्या होता है अगर सेकेंड प्रेगनेंसी जल्दी है जल्दी ही है सेकेंड प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से वो दूध कम हो जाता है या खत्म हो जाता है ऐसे बोल सकते हैं हम ओके तो और चाइल्ड बर्थ राइट मतलब चाइल्ड बर्थ मतलब चाइल्ड बर्थ समझ रहे हो ना सेकंड प्रेगनेंसी मतलब जल्दी अगर जल्दी वो प्रेगनेंट होगी फिर से चाइल्ड बर्थ होगी फिर उसको भी मतलब दूध पिलाना होगा ये सब चीजें है ना राइट ये सब ठीक है चाइल्ड बर्थ व्हेन द अदर इन इज स्टिल टू यंग राइट यहाँ तक समझ आए इन इन मैरस प्रोटीन डिफिशेंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन मैंने अभी बोला था है ना मैंने अभी बोला था ओके okay. राइट right? क्या होता है ओके okay? एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थीनिंग लिम्स रिजल्ट द स्किन बिकम्स ड्राई थीन एंड रिंकल्ड ओके मतलब क्या क्या होता है बेसिकली कुछ ग्रोथ ही नहीं होती ना यार प्रोटीन नहीं है एनर्जी नहीं है अच्छे से लिम्स डेवलप नहीं हो गए स्किन स्किन ऐसे रिंकल्ड रिंकल, रिंकल होगी है ना राइट right? थीन होगी स्किन अच्छे से प्रोटीन्स किस चीज के लिए होते हैं जो अमान एसिड्स होते हैं उसका जो एंड प्रोडक्टेड अमान एसिड वो किस चीज़ के लिए सभी चीज़ों की जो भी ग्रोथ है सभी स्ट्रक्चर उसी चीज से तो बनते हैं राइट वही नहीं तो होगा तो ऐसी सब कंडीशन होगी ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरलिवली है ना ये सब चीज़ें राइट ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली ओके मतलब दिखने लगता है इतना पतला पतला हो जाता है वो भी राइट इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैसिलिटी ऑफ ना यार सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगती है हमें ब्रेन को ही लगती है अगर ग्रोइंग एज है सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा सीखने की जो ये होती है ना सब कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम सीख रहा है है ना फर्स्ट टाइम सीख रहा है तो उसको ज़्यादा सोच रहा है वो ज़्यादा उसके नर्व नर्व्ज एक्टिव रहेंगे ब्रेन एक्टिव रहेगा तो वो एक्टिव रहेगा तो तभी उसको ज़्यादा एनर्जी लगी तभी उसको ज़्यादा प्रोटीन्स लगेंगे सब कुछ चीज़ें अच्छे से होने के लिए है ना ब्रेन डेवलप हो गए होने के लिए बस उन्हें छोटा ब्रेन होता है आगे बड़ा हो रहा है ब्रेन बड़ा अडल्ट होने के बाद तो वो सब चीज़ों के लिए प्रोटीन्स लगेंगे है ना थाट्स के लिए एनर्जी लगेगी तो अगर वो सब चीज़ें नहीं मिल रही तो वो डेवलपमेंट नहीं मेंटल डेवलप नहीं होगा फिजिकली भी नहीं होगा और मेंटली भी डेवलप नहीं होगा राइट राइट ये और नो ओके या तक याद रखो ठीक है अब कॉश्यू ऑर्कर में प्रोट मैरसमस में प्रोटीन एनर्जी दोनों भी लेस देन वन ईयर जो इनपन होता है उसमें ठीक है और उससे क्या क्या सिम्टम्स uh, मतलब जो साइंस दिखते वो अलग होते हैं ठीक है याद रखो है ना लिम्स एम पेयर लिंग्स, लिंग्स क्यों और फिर ग्रोथ एंड मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट में होती मेंटली भी नहीं फिजिकली भी नहीं ओके okay? कॉश्यो ऑर्कर में क्या होता है इट्स प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डिफिशेंसी ओके मैंने बोला सिर्फ प्रोटीन ओके okay? अ कंपेन्ड बाय कैलरी डिफिशेंसी ओके इट रिजल्ट फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ मदरस मिल्स बाय हाई कैलरी लो प्रोटीन डाइट इन चाइल्ड मोर देन वन ईयर ऑफ एज मैंने बोला मोर देन वन ईयर ऑफ एज ठीक है अब क्या है कि मदरस मिल्स मदर मिल्क अगर हम हाई राइट मदर मिल्क को रिप्लेस करें बाय हाई कैलरी लो प्रोटीन डाइट मतलब उसमें कैलरी है मतलब उसमें एनर्जी है मदर मदर का मिल्क रिप्लेस करें हम उसको बाहर का दूध दे रहे हैं कुछ तो भी दूध दे रहे हो ओके कुछ तो भी दे रहे उसमें कैलरी है एनर्जी है अच्छे से बट प्रोटीन कंटेंट सही नहीं है प्रोटीन कंटेंट उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा या कम मिल रहा है, है ना तो इसकी वजह से होता है कॉश्योरकर दैट्स इट यही उसका रीज़न है है ना ऐसा पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन हैपन्स इफ इफ मदर मिल्स इज रिप्लेस बाय हाई कैलरी लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन वन ईयर ऑफ एज है ना बोलो अगर मैं ऐसा पूछूँ मैं ऐसा पूछू तो क्या बोलोगे आप है ना विच कंडीशन हैपन्स इफ मदर्स मिल्क रिज इज रिप्लेस बाय हाई कैलरी लो प्रोटीन डाइट इन चाइल्ड मोर देन वन ईयर ऑफ एज बोलो टेल मी बोलो यार बोलो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा यार आप लोगों को मैंने कुछ तो भी पूछा आप लोगों को चलो बोलो हम्म, बोलो बोलो चलो बोलो बोलो यार क्यों नहीं बोलते यार तुम लोग बात ही नहीं करते मेरे से राइट वर्कर ओके राइट अब इसमें क्या क्या होता है लाइक like मैरसमस इसमें भी वर्कर शोज वेस्टिंग ऑफ मेस है ना राइट right? फिर थिनिंग ऑफ लिम्स फेलियर ऑफ ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड डेवलपमेंट राइट बट अनलाइक मैरसमस इसमें अलग क्या होता है सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन है ना मोरवेवर एक्सटेंसिव ओडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन याद रखो कॉश्य में सेम मैरसमे जैसे ही फीचर्स होते हैं या वैसे ही होता है सब कुछ बट अलग क्या अलग क्या होता है अलग ये होता है कि कुछ फैट स्किन के अंडर ऐसे दबाव होता है है ना कुछ कुछ जगह पे होता है है ना हम उसे कह सकें कि एक्सटेंसिव ओडेमा या स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर सीन मतलब अलग अलग जगह पे क्या होता है कई कई जगहों पर ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर देखता है जैसे बेबीज़ देखे होगे अपने है ना छोटे छोटे चिल्ड्रन देखे हो कई कई जगहों पे क्या होता है उसका थोड़ा सा बड़ा दिखता है हाथ बड़ा दिखता है या पैर बड़ा दिखता है है ना फिर छोटा सा थीन होने लगता है तो वहाँ पर फैट डिपोजिशन ज़्यादा रहता है ऐसे कह सकते हैं ओके तो स्वेलिंग या ओडेमा हम कह सेंगे स्वेलिंग या ओडेमा ओके हम उसे कह सकते हैं एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव ओडेमा या एक्सटेंसिव स्वेलिंग होता है कई कई जगहों पर ये कॉश्यू और में कहते हैं राइट याद रखो ओके चलो बोलो ये सर नो बोलो हम समरी पढ़ लेते एक बार फटाक से समरी पढ़ लेते एक बार चलो द डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूम द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स ओके राइट ठीक है द एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ द माउथ बकल कैविटी फायरिंग स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस ठीक है द एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड द सलाइवर ग्लैंड्स द लीवर विथ गॉल ब्लैडर ओके एंड द पैंक्रियस ओके सलेवर ग्लैंड्स मतलब क्या एक्चुअली एक ग्लैंड्स ग्लैंड ग्लैंड है एक्चुअली सलाइवर ग्लैंड एक बहुत बड़ी ग्लैंड है वो तीन अलग अलग ग्लैंड से बनी है थ्री प्लेयर्स थी थ्री पेयर्स ऑफ ग्लैंड है ना मतलब दो पैरोडिड दो सब मैंडिबुलर दो सब लिंगुअल ऐसे थ्री पेयर्स ऑफ ग्लैंड राइट उससे बनी है ओके ये आपको पता है फिर हम क्या देखेंगे इनसाइड द माउथ द टीथ मेस्टिकेट द फूड है ना फिर द टंग टेस्ट फूड एंड द मैनिपुलेट्स देखो जो हमारी टंग होती है उसके ऊपर जो भी जितने भी स्मॉल स्मॉल ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं है ना उसे हम क्या बोलते हैं पैपिले बट ऑल द दैपिलेज डज नॉट हैव टेस्ट बर्ड्स है ना सम समच बीयर टेस्ट बर्ड्स याद रखो सबके सब में टेस्ट बर्ड नहीं होते ओके राइट राइट सलाइवा कंटेन्स अ कंटेन्सटार्टार्च डाइजेस्ट राइट सलाइव रिया दैट डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इट इंटू माल्टोस डाइ सक्राइट ओके दूड ठीक है द फूड देन पासिस इंटू दिन द फॉर्म ऑफ बोलस

है ना और अल्कोहल ठीक है हमने पढ़ा था ओके okay. अब देखो द चाइम मतलब फूड एंटर्स इंटू द डिओडोनम पोर्शन ऑफ द स्मॉल देखो आ, बकल कैविटी के, के बाद में जो फूड है उसे हम बोलस के फॉर्म में कहते हैं है ना फिर जो स्टमक के बाद में जो फूड हम कहते हैं उसे चाइम बोलते हैं ठीक है द चाइम एंटर्स इंटू द डिओडोनम पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज एक्टेड ऑन बाय द पैंक्रेटिक जूस बाइल एंड फाइनली बाय द Uh, enzymes in the succus entericus so that the digestion of the carbohydrates proteins and fats is completed right the, the food then enters into the jejunum and ileum portions of the small intestine carbohydrates are digested and converted into the monosaccharides like glucose right proteins are finally broken down into the amino acids right the fats are converted into fatty acids and glycerols fat fatty acids and glycerols okay right द डाइजेस्टेड द डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स आर एपसऑप इन टू द बॉडी थ्रू द इपिथिलर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल विलय राइट म्यूकोजोल लेयर ओके द अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो फीसेज बोलते हैं हम राइट एंटर्स इंटू द सिकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वॉल यह हमें पता है विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर है ना मोस्ट ऑफ द वाटर रिजर्व ऑफ इन द लार्ज इंटेस्टाइन ओके द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड इन नेचर एंड देन एंटर्स इन टू द रेक्टम एनल कैनल एंड फाइनली इजेस्टेड आउट थ्रू द एनस। चलो यहाँ तक समझ आ एक्सरसाइज कर लेते फटक से करनी कि नहीं करनी फटक से कर लेते फास्ट फास्ट चलो एक्सरसाइज कर लेते फटक से एक्सरसाइज भी कर लेते है ना एक्सरसाइज भी कर लेते हैं की करने की नहीं करनी बोलो एक्सरसाइज करनी की नहीं करनी बोलो बोलो एंड पे आ गए रहे हम लोग बोलो यार एंड एंड आ चुका है चैप्टर का तीन घंटे से खड़ा हो यार मैं ऊपर तबीयत ख़राब हो के भी मुझे लगता है ना आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो इसकी वजह से एक्सरसाइज भी ले लेते चलो ये और नो ये सर नो करते हैं यस रिया पिकाचू तुम रायचू में कब कन्वर्ट होने वाली हो <laughs> रायचू <laughs> पता है ना पिकाचू एक छोटा फॉर्म है उसका अगर उसका विकसित फॉर्म है रायचू मुझे बेसिकली पोकेमान बहुत पसंद है मतलब बचपन से देखता अभी नहीं देखता हूँ बट बचपन से बहुत देखता था कंटिन्यूअसली देखता था कार्टून कंटिन्यूसली तो यार तुम कभी भी आ जाती हो कभी भी नहीं आती हो कंटीन्यूसली रहा करो यार लेक्चर्स में मेरे साथ करोगी तो थ्री सिक्सटी आएंगे तुम्हें बायो में थ्री सिक्सटी आउट ऑफ थ्री सिक्सटी क्यों नहीं आएंगे यार लाएंगे हम लोग ओके okay. चलो चूज द करेक्ट आंसर अमॉन्ग द फॉलोइंग है ना अब जा, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पूछा है गैस्ट्रिक जूस कंटेंस क्या क्या बोलो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है बोलो हाँ गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है मैंने बोला गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है देखो अब पेप्सिन है कि नहीं है लाइप है कि नहीं है रेनिन है कि नहीं है बोलो है ना ट्रिप्सिन तो नहीं है तो इसकी वजह से ये तो पूरा नहीं होगा है ना ट्रिप्सिन नहीं है ट्रिप्सिन नहीं है है ना तो ट्रिप्सिन नहीं है तो ये पूरा नहीं है ट्रिप्सिन नहीं है तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल मतलब ये पूरा ये ही कैंसिल अब देखो लाइपेज है रेनिन है पेप्सिन है. है ना राइट right? आगे देखते सकस इंट्रिकस सकस इंट्रिकस इज द नेम ऑफ इज द नेम गिवन टू है ना सकस इंट्रिकस इज द नेम गिवन टू ऐसा क्वेश्चन पूछा है राइट तो और बड़ा करता हूँ इसको अ जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन सकस इंट्रिकस ये नाम किसे दिया गया है अबे यार इसे तो नहीं ना ये कट ठीक है इंटेस्टैनल जूस राइट इंटेस्टैनल जूस मतलब स्वनिंग इन द लाइट इन द गट नो अपडिक्स नो इंटेस्टनल जूस ये सही है ओके okay? आगे जाते भले ही कितना आसान हो अगर वो कर देना एक बार तो ऐसा लगता है फुलफिलनेस आती है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एनर्जी बढ़ जाती है नहीं यार मैं मैक्साइड में कोई भी क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ मतलब इंटरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है तब तब ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े ना तो फिर इंटरेस्ट के साथ अगर गए तो सिलेमेस्टिक्स नहीं होती है ओके मैच द ठीक है मैच द कॉलम जो भी हो सेकेंड कॉलम से मैं उसको मैच करना है चलो 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 करते ओके कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड ओके बिल्यूबिन बिलीवरडिन क्या है बाइले ठीक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च स्टार्च हाइड्रोलाइसिस कौन करता है अमाइलिस करता है ठीक है डाइजेशन ऑफ फैट कौन करता है लाइपेस ठीक है सदावरी लैंड है, राइट ओके अब आगे देखते हैं आंसर ब्रिपली उन्होंने बोला कि आंसर ब्रीफली आंसर दो एक ब्रीफ आंसर दो है ना वाई आर विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन द स्टमक बोलो इसका आंसर ना आप लोग दो मुझे अभी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय क्यों प्रेजेंट है स्टमक में नहीं है बोलो बोलो यार जल्दी से बोलो बोलो यार बहुत हो गया अभी ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है ऐसा मैं कहता हूँ और ये जो एक्सरसाइज है वो करके आना ये एक्सरसाइज अभी चैप्टर अच्छे से खुद से एक बार पढ़ लो एक्सरसाइज अच्छे से जो भी बच्चे है ये जो अभी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं भले ही भले ही आपको थेरी के क्वेश्चन मतलब आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं है डजेंट मैटर बोर्ड की एग्ज़ाम हो ना हो बट ये जो है ना अगर आप इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे खुद से वह मतलब ऐसे क्वेश्चन खुद से खुद से आंसर खुद को देगा लिखना नहीं कहा खुद से ऐसे आंसर देना है खुद का अरे क्यों है क्यों नहीं है ऐसा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होगी है ना सिलेमेस्टिक्स नहीं होगी इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक्सरसाइज सॉल्व किया करो बायो की बायो की भी और केमिस्ट्री की भी कंप्लीटली करनी है इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों सॉल्व करने हैं है ना तो देखो ये आप प्रिपेयर कर लो मतलब एक हर एक क्वेश्चन रीड करो ना है ना बहुत तीन घंटे से खड़ा हूँ मैं ठीक है ये क्वेश्चन प्रिपेयर करो अच्छे से मतलब चैप्टर पढ़ो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो है ना और फिर मुझे हम जो ब्रीदिंग ऑफ एक्सरसाइज नौ बजे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर शाम को चार बजे भी एक लेक्चर है जिस जिसपे हम लिविंग गेयर पूरे रिवाइज करने वाले उस पर क्वेश्चन पूछेंगे एक घंटे के अंदर वो कर लेंगे पूछा वो सेशन सिर्फ एक घंटे के अंदर होगा ओके और फिर जो नौ बजे सेशन रहेगा वो वहाँ पे हम नय, नया नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज ही ब्रीदिंग एंड एक्शन ऑफ गैसेज ओके तो उसमें मैं स्टार्टिंग में पहले पाँच दस मिनट ये सब क्वेश्चन लेने वालों आपसे आंसर पूछूंगा आपको आने चाहिए ओके तो चलो एंड करें सेशन को याद रखो एक्सरसाइज करनी है थैंक यू यहाँ तक आने के लिए यार आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया मेरा थैंक यू फॉर दैट थैंक यू फॉर दिस एक्चुअली ओके तो देखो ये टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो ये लिंक है नहीं तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाके ये सर्च कर सकते हो नीट मैंटॉर्स है ना ये सर्च करोगे तो आपको आपको क्या मिलेगा है ना आपको मिलेगा ये चैनल मिलेगा ज्वाइन कर लेना वहाँ पे सभी अपडेट्स मेरे लेक्चर के सभी चीज़ों के आपके अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे ओके okay, तो देखो ये प्लस सब्सक्रिप्शन है राइट right? और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स है लाइव क्लासेस मिल रहे हैं वीकली टेस्ट मिल रहे हैं अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है कुछ स्ट्रक्चर कोर्सेस मिले प्लस में तो प्लस के सभी बेनिफिट्स मिल रहे हैं आइकॉनिक में उसके साथ साथ आपको मिल रहा है पर्सनल गाइडेंस पर्सनल मेंटरशिप स्टडी मटेरियल्स अच्छे से मिल रहे हैं स्टडी प्लानर एक्सपर्ट गाइडलाइंस टेस्ट टेस्ट एनालिसिस ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से मिल रही है तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है हमेशा कि आइकॉनिक ले लो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो राइट right? तो आइकॉनिक ले रहे हो प्लस ले रहे हो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ट्वेल्व मंथ का प्लान लीजिएगा है ना मेरा जो कूपन कोड है मेरा जो नाम है वही कूपन कोड है यस एच ए एन के ए आर ठीक है ये डालोगे तो आपको एडिशनल टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ओके okay? तो ये जो बेनिफिट मिल रहा है आपको एडिशनल फिजिकल नोट्स मिल रहे हैं लाइव डाउट सॉल्विंग है ना लाइव मेंटरशिप ये मिल रहा है सिर्फ आइकॉनिक में राइट तो थैंक यू गाइज यहाँ तक आ जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नोड़ी, मिलती रहेगी और इसके साथ साथ यार लाइक कर देना ओके और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ओके okay? और कुछ और कुछ पूछना है और कुछ है क्या कुछ डाउट कुछ क्वेरी याद रखना आज के जो सेशन हो गए एक चार बजे भी है शाम के चार बजे भी है हाँ लिविंग वर्ड उसमें रिवाइज़ करने वाले पूरा का पूरा रिवाइज करके उस पर क्वेश्चन पूछेंगे फटाक से ओके okay? फिर हमारा नौ पीएम को हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नौ बजे हम नया नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नौ पीएम को हम नया चैप्टर स्टार्ट करें शाम को कुछ है नौ बजे हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कुछ है कुछ डाउट है कुछ क्वेश्चन है आस्क मी कुछ है क्या वैष्णवी सर तुम्हें तो डुपा मन मद फिजिक्स केमिस्ट्री का सर मैनेज कहला एक काम करता हो मुझे सेम क्वेश्चन चार बजे पूछना क्योंकि मैं तीन घंटे से खड़ा हूँ वैष्णवी और तबीयत भी बहुत खराब है बहुत अच्छे से तभी मैं समझा पाऊंगा है ना तो चार बजे आ जाना सेशन में तो चार बजे सेशन का आंसर मैं दे दूँ मतलब जो भी पूछना है चार बजे पूछना लिविंग वर्ल्ड पूरा रिवाइज़ करेंगे उसके साथ साथ कोई आपका जो भी क्वेरीज है ना उसका भी सोल्यूशन देंगे है ना मंथ एंड है मंथ एंड का लास्ट डे तो इसमें आप एक एक नवंबर से एक क्योंकि थर्टीन नवंबर का मेरा बर्थडे भी है ना तो मेरे बर्थडे पे आप अच्छे से मुझे प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ तो दो मतलब सर अरे बोलो कि सर मेरे मार्क्स अच्छा रहे सर मेरा ये चैप्टर परफेक्ट है सर मेरा म, मेरा अच्छे से चल रहा है सब कुछ तो मुझे अच्छा लगेगा है ना तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज, आज आपके जितने भी डाउट्स है वो सॉल्व करो ना जो भी है तो चार बजे का लेक्चर है उसमें पूछ लेना मुझे ठीक है वैष्णवी ओके तो मैं एंड करूँ फिर सेशन को बोलो चलो मैं एंड करता हूँ सेशन को चलो बाय